लो शुरू हो जाओ। लिखिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, भ्रंशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, भ्रंशों के प्रकार। सबसे पहले हेडिंग हमने लिखी ली थी कि भ्रंश क्या होते हैं, फॉल्ट किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखी थी, और उसके बाद हमने डिप, स्ट्राइक और स्लिप इन तीनों को समझा था। डिप का मतलब होता है नमन, धरती का नीचे डिप हो जाना एक हिस्सा, और स्लिप तो होगा ही, नीचे जाएगा तो उसका मतलब क्या है, स्लिप होना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लॉजिकली समझना, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा रटने से, सब लॉजिक ही लगने हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखिए फॉल्ट्स, भ्रंश। फॉल्ट में से दो एरो निकालिए, दो टाइप के भ्रंश होते हैं, असल में तीन टाइप के। फॉल्ट में पहली चीज आती है डिप, नमन, दूसरी आती है स्ट्राइक, नत लंबी, और तीसरी आती है स्लिप यानी सरपण। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग दरारें बनती हैं, अलग अलग भ्रंश बनते हैं। बेसिकली तीन टाइप रहेंगे, उन तीन टाइप के अंदर दो, तीन, तीन और तीसरे वाले में ऊपर के दो मिक्स रहेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, फर्स्ट डिप स्लिप फॉल्ट, नमन सरपण भ्रंश। डिप स्लिप फॉल्ट, नमन सरपण भ्रंश। डिप स्लिप फॉल्ट में होता क्या है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो फॉल्ट टेंशन से आ सकता है या कंप्रेशन से। तो डिप स्लिप फॉल्ट के नीचे लिख दीजिए आइदर टेंशन और कंप्रेशन, या तो तनाव या संपीड़ित। आइदर टेंशन और कंप्रेशन, या तो तनाव या संपीड़ित। स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, बिकॉज जहां अगर स्ट्रेस आया वहां तो ना तो कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट होगा, क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तो जहां स्ट्रेस होगा वहां ट्रांसफॉर्म होगा, और जहां पर टेंशन या कंप्रेशन आएगा वहां डिप स्लिप होगा। डिप स्लिप फॉल्ट को नॉर्मली नॉर्मल फॉल्ट बोला जाता है। मतलब ये कि डिप स्लिप फॉल्ट के तीन टाइप होंगे। पहले टाइप को बोला जाता है, यानी डिप स्लिप फॉल्ट से पहला एरो निकाल के लिखिए 1A। 1 तो हेडिंग है, इस 1 का A क्या है, यानी पहला टाइप क्या है। उस पहले टाइप को कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, सामान्य भ्रंश। नॉर्मल फॉल्ट, सामान्य भ्रंश, जो कौन से फोर्स की वजह से होता है, टेंशन, तनाव बल से। ये दिखने में कैसा होता है, तो एरो बने हुए हैं उसके साइड में, ये एरो बना लीजिए। टेंशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव, खींच रही है जमीन का टुकड़ा, दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब दूर जाएगा तो बीच में एक दरार बनेगी, और वही दरार फिर स्लिप होते होते एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी। तो यहां पे वो समझ में आता है, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ जो जाएगा वो नीचे झुकेगा, और इस तरफ जो जाएगा वो ऊपर की तरफ सेटल होगा। क्लियर? ठीक, इसको और भी आगे समझेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। डिप स्लिप फॉल्ट का दूसरा प्रकार होता है 1B। 1B होता है, उसे कहते हैं रिवर्स, रिवर्स। जहां नेसेसरी होगा वहीं हिंदी बोलूंगा, नहीं तो इंग्लिश में ही चलने देना, क्योंकि हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है। रिवर्स फॉल्ट जो होता है वो टेंशन का ठीक उल्टा किसकी वजह से होगा, कंप्रेशन की वजह से, संपीड़न की वजह से। तो ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू कंप्रेशन, संपीड़न जनित, कंप्रेशनल, संपीड़न जनित। यानी मैं एक जमीन के टुकड़े को बिल्कुल प्रेस करूंगा तो बीच में एक दरार आ सकती है, और उस दरार की वजह से एक हिस्सा उसके ऊपर जा सकता है। यहां पे ये दिख रहा है, ये कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। यहां ये दूर जा रहे हैं इसलिए ऐसा एरो बनाया, यहां ये पास आ रहे हैं इसलिए ऐसा एरो बनाया। ओके, इसके बाद में ये दो टाइप तो मेन है, दूसरे टाइप के अंदर ही
तीसरा टाइप बन जाता है 1C। 1C का नाम होता है रिवर्स थ्रस्ट, व्युत्क्रम क्षेप, रिवर्स थ्रस्ट व्युत्क्रम क्षेप। बहुत सिंपल सा है, अगर डिप का एंगल 45 डिग्री से कम हो और वो हो रिवर्स ही, तो उसको क्या बोल देते हैं? रिवर्स थ्रस्ट बोल देते हैं। बस मतलब ये कि है तो रिवर्स ही है, हो तो यही रहा है जो एरो में आपने बनाया है, लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल किससे कम होता है? 45 डिग्री से कम होता है। यानी नमन का एंगल, डिप का एंगल 45 डिग्री से अगर कम होगा और वो एंगल कंप्रेशन की वजह से बनेगा, यानी रिवर्स फॉल्ट की वजह से बनेगा, तो उसे रिवर्स थ्रस्ट बोल दिया जाएगा। यानी है तो रिवर्स ही, थ्रस्ट कब जुड़ेगा? जब डिप का एंगल 45 डिग्री से कम रहेगा। उसको भी हम देख लेंगे, ओके, फिर से देखेंगे डायग्राम बना बना के। ठीक है, तो ये हो गया पहला काम। इस रिवर्स थ्रस्ट को ब्रैकेट में लिख लो, इफ डिप इज लेस देन 45 डिग्री, यदि नमन 45 डिग्री से कम हो, इफ डिप इज लेस देन 45 डिग्री, यदि नमन 45 डिग्री से कम हो। अब दूसरे प्रकार के फॉल्ट पे आ जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो फॉल्ट होगा, इसमें डिप नहीं होगा, यानी कोई जमीन नीचे नहीं जाएगी, केवल और केवल आगे या पीछे जाएगी। समझ गए? डिप तो लिखा ही नहीं है ना, तो हेडिंग डाली है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, यानी कि नत लंबी सरपण भ्रंश, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, नत लंबी सरपण भ्रंश, ये किसकी वजह से होगा? इसके पीछे का कारण रहेगा शियर फोर्स, ओके, शियर बल। तो जैसे आपने टेंशन और कंप्रेशन लिखा था डिप स्लिप के नीचे, वैसे ही स्ट्राइक स्लिप के नीचे क्या लिखेंगे? शियर फोर्स, शियर बल, कर्तन बल भी बोला जाता है या विशुद्ध बल भी बोलते हैं शियर फोर्स को। डायग्राम आपको याद आ रहा है? शियर को हमने कैसे समझा था वो देख लेते हैं। ये था टेंशन, यानी दूर जाना, कंप्रेशन पास आना, और शियर का मतलब होगा कोई डिप होगा ही नहीं, केवल क्या होगा? दो जमीन के टुकड़े बस आपस में रगड़ के एक दूसरे से पास या एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये रहेगा शियर फोर्स के कारण। तो इसके ब्रैकेट में और लिखिए, यानी कि इसके ठीक नीचे और लिखिए, इससे पहले कि हम ये तीन इसके पार्ट बनाएं, ब्रैकेट में लिखिए, आइदर साइड विल गो लेफ्ट और राइट, एक हिस्सा या तो दाएं या बाएं जाएगा, आइदर साइड विल गो लेफ्ट और राइट, कोई हिस्सा दाएं या बाएं जाएगा, जो देखने वाले की आंखों से दूर का टुकड़ा होगा, विच विल बी द फार मोस्ट सेक्शन ऑफ द फॉल्ट, जो देखने वाले की आंखों से दूर का ब्लॉक होगा। मतलब अगर मुझे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के नाम रखने हैं, तो मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने एक दरार बनी हुई है, कौन सी वाली? स्ट्राइक स्लिप वाली। ये पांच टेबल हैं, इनमें से मान लिए आगे की जो तीन टेबल हैं ये शिफ्ट हो रही हैं राइट की तरफ, और पीछे की जो दो टेबल हैं वो शिफ्ट हो रही हैं लेफ्ट की तरफ। तो मैं किस, कौन से ब्लॉक पे ज्यादा ध्यान दूंगा? जो भ्रंश के उस पार वाला ब्लॉक है, और वहीं से नाम स्टार्ट होगा, उसको बोलेंगे फिर लेफ्ट लेटरल या फिर राइट लेटरल। तो देखने वाले की आंखों से जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट के पार वाला टुकड़ा हमें देखना होता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक। तीन टाइप होते हैं इसके। सबसे पहला प्रकार लिखिए 2A को बोला जाता है लेफ्ट लेटरल वाम पार्श्विक, लेफ्ट लेटरल वाम पार्श्विक, और इसका दूसरा नाम ब्रैकेट में लिखिए सिनिस्ट्रल, यहाँ लिखा हुआ है सिनिस्ट्रल, SINIS
TRAL, यानी इसके दो नाम होते हैं, या तो वाम पार्श्विक लेफ्ट लेटरल बोल दो या सिनेस्ट्रल बोल दो। दूसरा होगा, ये लेफ्ट का मतलब समझ गए, उस दरार के उस पार वाली बाउंड्री किधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट, तो उस ब्रंश को हम क्या कह देंगे, लेफ्ट लेटरल। दूसरा 2B, राइट लेटरल दायां पार्श्विक, राइट लेटरल दायां पार्श्विक, इसका दूसरा नाम होता है डेक्स्ट्रल, DEXTRAL, डेक्स्ट्रल। अब बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस में तीसरा पॉइंट भी आ जाता है, तीसरा टाइप आ जाता है, लेकिन तीसरा टाइप लिखने से पहले इन दोनों को ब्रैकेट में करिए और ब्रैकेट के बाहर लिखिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन, चालन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, चालन की दिशा ऑन अपोजिट साइड ऑफ द फॉल्ट, किसी दर्शक को दिख रहे, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द फॉल्ट, किसी दर्शक को दिख रहे भ्रंश के दूर वाले हिस्से का होता है, फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, भ्रंश के दूर वाले हिस्से का होता है। तो इस तरफ आपने जो लिखा था नॉर्मल भाषा में लिखा था, इस तरफ आपने थोड़ा सा टेक्निकल लिख दिया, बात वही थी, भ्रंश वाले हिस्से के आगे वाला हिस्सा को ध्यान में रखा जाता है। अब स्पेशल केसेस में 2C बनता है, तीसरा प्रकार स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का, और इसकी वजह से मिड ओशनिक रेंज बनती हैं, मध्य सागर कटक। मिड ओशनिक रेंजेस कैसे बनती हैं उनको देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। आपको कटक तो दिख ही रहा है, ये जा रही है दरार अटलांटिक महासागर में, लेकिन इस दरार के अलावा ये तो दूर जा रही है एक दूसरे से, लेकिन क्या एक साथ एक बराबर प्रेशर से दूर जा रही है, नहीं, यहां प्रेशर ज्यादा था इसलिए ये बहुत दूर चली गई, यहां प्रेशर कम था इसलिए थोड़ी सी दूर गई, और इसी की वजह से यहां के और यहां के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से बीच बीच में क्या बनेंगी, दरारें, लाइंस, जो असल में शियर फोर्स काम कर रहा होगा, और वही क्या बना देती हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो तीसरे का नाम लिखिए, रूपांतर भ्रंश, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, रूपांतर भ्रंश। मतलब ये कि है तो ये बेचारा स्ट्राइक स्लिप ही, कोई डिप नहीं हो रहा है, बस कुछ MOR जो बने हुए हैं, जैसे कि ये 2C, ये लिखा हुआ है, यही 2C है, ये एक मिड ओशनिक रिज है, तो जमीन इस तरफ बन रही है, फिर ये भी एक मिड ओशनिक रिज है, जमीन इस तरफ बन रही है, तो इस तरफ बनने, जमीन बनने की गति और इस तरफ जमीन बनने की गति में फर्क तो होगा थोड़ा सा भी, और वो थोड़ा सा फर्क बीच में क्या लाएगा, दरार, उसी को हम क्या कह देंगे, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का कौन सा हिस्सा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, बड़े हिस्से में, ब्रैकेट में लिखिए, फॉल्ट्स फॉर्म द प्लेट बाउंड्री, फॉल्ट या भ्रंश अगर प्लेटों की सीमा बनाते हैं, फॉल्ट्स फॉर्म द प्लेट बाउंड्री, भ्रंश अगर प्लेटों की सीमा बनाते हैं, दैट मीन्स ये नॉर्मली लेफ्ट लेटरल राइट लेटरल तो हमें कहीं भी नजर आ जाएगा, लेकिन यही लेफ्ट और राइट लेटरल अगर हमें प्लेट की बाउंड्री पे नजर आया तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसीलिए स्पेशल केस है, हो क्या रहा है, जो ए में हो रहा है या बी में हो रहा है, लेकिन अगर ये ए और बी में जो कुछ भी हो रहा है वो अगर MOR में हो जाए, प्लेटों की बाउंड्री में हो जाए, जैसे कि ये प्लेट की बाउंड्री है, यहां हो जाए, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कह देंगे। एक बहुत ही अच्छा इमेज है जिससे सब समझ में आ जाएगा। क्या कोई ब्रंश आपको एक जैसा दिख रहा है सीधी लाइन में, नहीं, जैसे ये वाला एक ब्रंश निकला ऊपर गया, लेकिन हर एक सेक्शन में प्रेशर अलग अलग है,
फिर इस छोटे से सेक्शन में प्रेशर अलग है, फिर इस सेक्शन में प्रेशर अलग है, फिर इस छोटे से सेक्शन में प्रेशर अलग है। हो क्या रहा है कि ये वाली बाउंड्री की वजह से, MOR की वजह से ये हिस्सा दूर जा रहा है और ये हिस्सा दूर जा रहा है, लेकिन प्रेशर अलग अलग है। इसीलिए मुझे एक सीधी लाइन नहीं दिख रही है, मुझे उस सीधी लाइन के बीच में एक राइट एंगल में मुड़ता हुआ एक भ्रंश नजर आ रहा है। जस्ट बिकॉज क्या है, प्रेशर अलग है। जूम इन करके बता देता हूं, यह है पूरा हिस्सा। हो सकता है कि इस हिस्से में प्रेशर ज्यादा था, इस हिस्से में प्रेशर ज्यादा था, इन दोनों के हिस्से से कई गुना ज्यादा प्रेशर यहां था और यहां था, तो दोनों के प्रेशर के बीच की डिफरेंस की वजह से ये जो बीच की पट्टी है इसमें आ गया भ्रंश, एक फॉल्ट बन गई। और ये डिप तो नहीं की, ये बस क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, रूपांतरित हो गई और कुछ नहीं हुआ। आया समझ में? थोड़ा बहुत आया, डायग्राम में सब आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल में लिखिए, उदाहरण, मिड ओशियनिक रिजेस मध्य सागर कटक, मिड ओशियनिक रिजेस मध्य सागर कटक, कॉमा सैन एंड्रियास फॉल्ट, सैन एंड्रियास भ्रंश, कॉमा द एल्पाइन फॉल्ट, एल्पाइन भ्रंश। एल्पाइन भ्रंश जो है वो न्यूजीलैंड में है, एल्पाइन फॉल्ट, एल्पाइन भ्रंश जो कहां पर है, न्यूजीलैंड में है। ठीक है, सैन एंड्रियास कहां पर है, अमेरिका में। ठीक, दो चीजें समझ में आ गई, डिप स्लिप और स्ट्राइक स्लिप। डिप स्लिप में डिप होगा और स्लिप होगा, स्ट्राइक में डिप नहीं होगा सिर्फ स्ट्राइक होगा, यानी एक दूसरे से दूर या पास जाएंगे एक भ्रंश बनाकर, नीचे कोई भी नहीं जाएगा, और स्लिप तो होगा ही होगा। तो स्लिप तो सब जगह है, जब दो टुकड़े आगे पीछे आस पास दूर पास जाएंगे तो ये तो स्लिप ही हो रहा है ना एक तरीके से, बस। तो स्लिप तो साथ में ही रहने वाला है। कई बार हो सकता है कि इस पहले वाले और इस दूसरे वाले के मिश्रण से क्या बन जाए, तीसरा, मतलब डिप भी हुआ और आगे भी खिसक गया, तो उसको कहेंगे ऑब्लेक फॉल्ट। तो तीसरे हेडिंग पे डालिए, परोक्ष भ्रंश, ऑब्लेक फॉल्ट, परोक्ष भ्रंश, ऑब्लेक फॉल्ट। और परोक्ष भ्रंश में ब्रैकेट में लिखिएगा इसी के नीचे, शीयर प्लस टेंशन और कंप्रेशन, विशुद्ध बल के साथ तनाव या संपीड़न, शीयर प्लस टेंशन और कंप्रेशन, विशुद्ध बल के साथ तनाव या संपीड़न। इसमें तो या तो तनाव था या संपीड़न था, इसमें सिर्फ क्या था, शीयर था, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों साथ में। तो शीयर के साथ में टेंशन हो सकता है या शीयर के साथ में कंप्रेशन हो सकता है, तो ये बन गया ऑब्लिक फॉल्ट। इसका डायग्राम यहां पे बनेगा, तो ऑब्लिक फॉल्ट में ब्रैकेट में लिख दो 1+2, 1+2। अब अपन काम शुरू करते हैं एक एक को समझने का, ठीक है, साथ में हो, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ओके। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए 1A, 1A। तो अब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नाम हमने लिख रखा है, ये तो नॉर्मल फॉल्ट है जो किसकी वजह से होता है, टेंशन की वजह से दूर जाना। इस तरफ इमेजेस भी देखते हुए चलेंगे, ताकि दो एंगल से समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। ये देखो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कितना आसान है, जमीन का ये वाला टुकड़ा दूर गया, दूर गया, जमीन का ये वाला टुकड़ा दूर गया, दूर गया, तो बीच में तो दरार आएगी ना, और इसी बीच की दरार में क्या होने वाला है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होने वाला है, ठीक है, रूपांतर, ना तो डिप होगा। तो असल में क्या लग रहा है यहां पे, शेयर फोर्स लग रहा है बस, ओके। तो यहां पे असल में कोई फॉल्ट बनना ही नहीं था, वो किसकी वजह से बना, इस फॉल्ट और इस फॉल्ट की वजह से,
तो बीच में तो गैप आएगा ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक को समझना। सबसे पहले लिखिए 1A, 1A में लिखिए नॉर्मल फॉल्ट, सामान्य भ्रंश। लिखिए इन अ नॉर्मल फॉल्ट, एक सामान्य भ्रंश में द हैंगिंग वॉल मूव्स डाउन, लटकती भित्ति नीचे की ओर जाती है। द हैंगिंग वॉल मूव्स डाउन, लटकती भित्ति नीचे की ओर जाती है ड्यू टू टेंशन, तनाव के कारण, ड्यू टू टेंशन तनाव के कारण, एंड क्रिएट्स एक्सटेंशन और विस्तारीकरण पैदा करती है। एंड क्रिएट्स एक्सटेंशन और विस्तारीकरण पैदा करती है। एक्सटेंशन का मतलब दूर हो जाना, विस्तार का मतलब दूर हो जाना। एक्सटेंशन कॉर्ड होती है ना, क्योंकि दूरी ज्यादा है तो उस दूरी को कंप्लीट करने के लिए। तो टेंशन के कारण दूरी बढ़ती जा रही है, और वही दूरी जो बढ़ेगी तो बीच का एक हिस्सा क्रैक हो जाएगा जो कमजोर हिस्सा होगा, जैसे कि इस इमेज में यह दिख रहा है। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या हुआ, यह हिस्सा यहां जाने की कोशिश करी, इस हिस्से ने यहां जाने की कोशिश करी, बीच में आया क्रैक, तो जो हैंगिंग वॉल होगी वो नीचे चली जाएगी और जो फुट वॉल होगी वो ऊपर चली जाएगी। हेड और फुट क्यों बोलते हैं वो मैंने बताया था, ऊपर का सरफेस नीचे के सरफेस से बड़ा है तो उस सरफेस को क्या कहेंगे, हेड। ऊपर का सरफेस छोटा नीचे का बड़ा तो इस हिस्से को क्या कहेंगे, फुट। इसीलिए टेंशन में या टेंशन फोर्स की वजह से जो नॉर्मल फॉल्ट बनता है उसमें हेड नीचे जाता है और फुट ऊपर जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और थोड़ा सा टेंशन कंप्रेशन इनको समझ लिया तो आप अपने मन से भी ये डायग्राम बना सकते हो कि क्या हो रहा है और आंसर को सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक, डायग्राम बना लीजिए, ये वाला, इसका नाम दे देना फुट वॉल और इसका हेड वॉल। हेड वॉल को नीचे रखना और फुट वॉल को ऊपर रख देना और दोनों को टेंशन के कारण दूर दूर करने की कोशिश करना, तो एक एरो इधर एक एरो इधर बन जाएगा। और फिर डिप एंगल भी बताना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि डिप एंगल अगर 45 से कम हो तो वो कुछ और बन जाएगा, रिवर्स थ्रस्ट बन जाएगा। तो यहां पर डिप एंगल आप दे देंगे 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। क्लियर है? हाँ, ये एंगल अगर बहुत कम हो जाए तो फिर कुछ और हो जाता है वो। अब बिल्कुल सिंपल था ये बने, तो इसका नाम इसीलिए नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट के बाद में इसका पूरा नाम लिखिए, ये बना लिया आपने, इसके साइड में इसका पूरा नाम लिखो, नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट, सामान्य नमन सर्पण भ्रंश। नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट, सामान्य नमन सर्पण भ्रंश। अच्छा, एरो भी दे दिया आपने नीचे जाते हुए और इसको ऊपर जाते हुए और इन दोनों को दूर जाते हुए, चार एरो बनाने हैं और 60 डिग्री का एंगल देना है डिप का। ठीक है, यही क्या हो रहा है असल में, एक्सटेंशन पैदा हो रहा है, यहाँ पर दूरी पैदा हो रही है, तो बीच में कोई दरार या खाई नहीं बन रही है। असल में वो बेचारा दूर होने की कोशिश कर रहा है इसलिए स्लिप हो गया वो और डिप में चला गया, एक एंगल बनाते हुए 60 डिग्री का नॉर्मल। अब अगले पे आते हैं, 1B, 1B का नाम लिखिए, 1B का नाम होगा रिवर्स डिप स्लिप कंप्रेशनल फॉल्ट। रिवर्स नमन सर्पण संपीड़न भ्रंश, रिवर्स डिप स्लिप कंप्रेशनल फॉल्ट, रिवर्स नमन सर्पण संपीड़ित भ्रंश। इस वाले में क्या लिखा था, नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, टेंशन, तो टेंशन भी ब्रैकेट में लिख लेना। तो ये नाम पूरा ही हो गया असल में, मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी आ गई, नॉर्मल है,
डिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, टेंशन की वजह से फॉल्ट बना रहा है। तो नाम से ही सब समझ में आ जाना चाहिए। इसका नाम आपने लिख लिया, यहां पर लिखिए हियर सिचुएशन विल बी रिवर्स्ड, यहां स्थिति उलट जाएगी। हियर सिचुएशन विल बी रिवर्स्ड, यहां स्थिति उलट जाएगी। द बॉडी विच वॉज अबव, जो हिस्सा ऊपर था, द बॉडी विच वॉज अबव, जो हिस्सा ऊपर था विल कम डाउन, वो नीचे होगा। फुल स्टॉप। मतलब ये कि इसको हम ओशियन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में भी यही समझ सकते हैं। हमने क्या समझा था कि ओशनिक क्रस्ट जब कॉन्टिनेंटल से टकराती है तो नीचे चली जाती है, तो ऊपर कौन रहता है? कॉन्टिनेंट, और नीचे जाती है ओशनिक। क्या कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है? अगर इसको मैं ओशनिक बोलूं और इसको कॉन्टिनेंटल बोलूं तो दैट मीन्स ओशियन कॉन्टिनेंट के टकराने से जो ट्रेंच बनती है उसमें ये वाला फॉल्ट होता है। ओके तो इसका डायग्राम बनाइए और फिर से जो समझाया वही लिखिए। डायग्राम में क्या करना है, रिवर्स करना है आपको। फुटवॉल ऊपर थी यहाँ पे, यहाँ फुटवॉल नीचे हो जाएगी, जैसे ओशनिक क्रस्ट नीचे हो जाता है। यहाँ पर जो हेड बॉल थी वो ऊपर चली जाएगी, जो यहाँ पे नीचे थी। वन बी, और ऐसा क्यों हो रहा है? टेंशन की वजह से नहीं, कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि दबाव लग रहा है। ये दूर नहीं जा रहे हैं, ये दोनों पास आ रहे हैं। तो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल में भी दोनों पास आ रहे थे, इसीलिए ये सिचुएशन बनेगी। हाँ, इनको और इनको दोनों को पास पास के एरो से इंडिकेट कीजिए, और दोनों की शिफ्टिंग भी या स्लिपिंग भी बताइए कि ये स्लिप होगा नीचे, कौन? फुटवॉल नीचे की तरफ जाएगी, जैसे ओशनिक क्रस्ट नीचे की तरफ जा रहा है। और कॉन्टिनेंट क्या करेगा? पहाड़ बना देगा वो, एंडीज माउंटेन्स। तो हेड वॉल जो रहेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ तक हो साथ में? ठीक, एंगल वही रहेगा डिप का, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये 60, 70, 50 कुछ भी हो सकता है, बस हम एवरेज ले रहे हैं कि 60 डिग्री पर नॉर्मली ऐसा होता है। ओके, अब इसी में आप एक चीज़ लिख लीजिए कि ये हेड वॉल और फुट वॉल नाम दिया किसने? ये नाम दिया था कोयले की खदान में काम करने वाले लोगों ने, फुटवॉल, और सर के ऊपर जो है वो हेड वॉल, ऐसे नाम मिलता था। तो नाम कहां से आया फुटवॉल और हेड वॉल, वो लिख लीजिए। फुटवॉल एंड हेड वॉल नेम इज गिवन बाय कोल माइन वर्कर्स, लटकती भित्ति हेड वॉल एंड फुटवॉल, ऊपरी भित्ति या लटकती भित्ति एवं निचली भित्ति का नाम कोयले की खदान के श्रमिकों ने दिया था। कोल माइन वर्कर्स, कोयले की खदान के श्रमिकों ने दिया था। अगर यहां पर एक्सटेंशन पैदा हो रहा था, दूरी पैदा हो रही थी, तो यहां क्या पैदा होगा? शॉर्टनिंग। एक्सटेंशन का मतलब होता है खिंचते चले जाना, लंबा होना। शॉर्टनिंग का मतलब होगा पास आ जाना। तो यहां पे पास ही आ रहे हैं दोनों, जस्ट बिकॉज कंप्रेशन अपना काम कर रहा है। तो यहां पे लिख लीजिएगा शॉर्टनिंग हैपन्स, कमी पैदा होती है। शॉर्टनिंग हैपन्स, कमी पैदा होती है, फुल स्टॉप। अब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लिख लो एक लाइन का, ये जो पूरा समझा हमने। इन अ रिवर्स फॉल्ट, एक विपरीत भ्रंश में, इन अ रिवर्स फॉल्ट, एक विपरीत भ्रंश में, द हैंगिंग वॉल मूव्स अप, लटकती भित्ति ऊपर की ओर जाती है। द हैंगिंग वॉल मूव्स अप, लटकती भित्ति ऊपर की ओर जाती है, ड्यू टू कंप्रेशन, संपीड़न के कारण, ड्यू टू कंप्रेशन, संपीड़न के कारण, एंड क्रिएट्स शॉर्टनिंग, और कमी पैदा करती है। एंड क्रिएट शॉर्टनिंग इन डिस्टेंस, और कमी पैदा करती है दूरी में। यहां दूरी में एक्सटेंशन हो रहा था। लटकती भित्ति यानी हैंगिंग वॉल या हेड वॉल का एक ही मीनिंग है जो यहां पे दिख रहा है। यहां पे कौन सी वॉल लटकती हुई दिख रही है?
ये वाली लटकती हुई दिख रही है, तो बस ये हैंगिंग वॉल हो गई। यहां पे हैंगिंग वॉल कौन थी, ये लटक रहा है या ये लटक रहा है, ये वाली वॉल लटक रही है, ऐसे लटकते हुए दिख रही है ना, तो ये हैंगिंग वॉल हो गई। ओके, फुट वॉल का बेस बड़ा होगा, हैंगिंग वॉल का सरफेस बड़ा होगा, क्लियर। तो है तो ये एक ही प्लेन, लेकिन एक हिस्सा थोड़ा लटकता हुआ दिखाई देता है और एक हिस्से का बेस बड़ा दिखाई देता है, तो उसको फुट वॉल बोल देते हैं, क्लियर। वन सी, एक बार पूरा इसको 5 मिनट रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन खेलेंगे, मैं खेलूंगा आप नहीं, मैं पूछूंगा। ओके, वन सी का नाम लिखिए, रिवर्स थ्रस्ट डिप स्लिप फॉल्ट, रिवर्स थ्रस्ट नमन सर्पण भ्रंश, रिवर्स थ्रस्ट डिप स्लिप फॉल्ट, रिवर्स थ्रस्ट नमन सर्पण भ्रंश। मतलब कि होगा वन बी ही, लेकिन डिप का एंगल किससे कम हो जाएगा, 45 डिग्री से कम, और सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। तो ये जो लटकती भित्ती जो कम लटक रही थी, अब बहुत ज्यादा लटक जाएगी। आया समझ में, ये ऐसे लटक रही थी, अब ये और ज्यादा लटक जाएगी, क्लियर। तो ये डायग्राम बनाइए पहले, और डिप एंगल 40 डिग्री दे देना, 40 डिग्री का डिप एंगल। मतलब 1B ही 1C है, बस 60 डिग्री की जगह क्या हो गया, वो 45 से कम हो गया डिप का एंगल, डिप यानी नीचे जाने का एंगल, क्लियर। तो ये क्या होगी, हैंगिंग वॉल और ये फुट वॉल। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये हैंगिंग वॉल है और ये वाला जो हिस्सा है वो फुट वॉल है, क्लियर। लिखिए इसमें, हियर यहां द डिप स्लिप एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, नमन सर्पण का कोण 45 डिग्री से कम होता है। द डिप स्लिप एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, नमन सर्पण का कोण 45 डिग्री से कम होता है। तो अगर 30 डिग्री का हुआ तो बनते से ही डायमेंशन ऑल्टर हो जाएगा इसका, और मुझे ये लगता है कि ये लटकती भित्ती टूट के कहां गिरेगी, नीचे गिरेगी, होना तो यही चाहिए और होता भी यही है कहीं कहीं पर। चलिए ये भी हो गया, अब आते हैं 2A पर, डिप स्लिप फॉल्ट क्लियर है। अब अगले पे आ रहे हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के पहले पार्ट पे, 2A, 2A में लिखिए, लेफ्ट लेटरल और सिनिस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, वाम पार्श्विक, लेफ्ट लेटरल, वाम पार्श्विक और या सिनिस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या सिनिस्ट्रल नतलंबी सर्पण भ्रंश, सिनिस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, नतलंबी सर्पण भ्रंश। तो डिप स्लिप में हमने देखा कि सारा काम हॉरिजॉन्टली हो रहा है, लेकिन अब स्ट्राइक स्लिप में सारा काम वर्टिकली होगा। हॉरिजॉन्टली हो रहा था यानी लगभग, सॉरी वर्टिकली हो रहा था, वर्टिकल का मतलब होता है नीचे से ऊपर, हॉरिजॉन्टल का मतलब रहेगा एक सिंपल प्लेन में ये सारा काम चलेगा, क्षैतिज रूप में। ओके, चलिए बना लीजिए, डायग्राम बनाइए इस 2A का, ऐसे दो जमीन के टुकड़े बना दो, इनकी गहराई ऐसे बता दो, एक टुकड़े को इस तरफ ले जाओ, दूसरे टुकड़े को राइट में ले जाओ, तो बताओ ऑब्जर्वर कहां पे होगा,
कैलाश सत्यार्थी की जगह आप लोगों को नोबेल प्राइज मिलना था। स्ट्राइक जहां आपने लिखा था पिछले लेक्चर में, स्ट्राइक की डेफिनेशन पे जाइए। नतलंबी की डेफिनेशन लिखी थी पहले, स्ट्राइक की डेफिनेशन में क्या लिखा था आप लोगों ने? वह कोण जो भ्रंश की दिशा चालन परिभाषित करता है और उसे उत्तर दिशा से सीधे नापते हैं, तो देखने वाला कहां खड़ा रहेगा? नॉर्थ। लेफ्ट राइट नहीं खड़ा रहेगा, वो नॉर्थ में रहेगा, और नॉर्थ में खड़े होकर वो उस भ्रंश को देखेगा, और अगर भ्रंश के उस पार का हिस्सा लेफ्ट में जाता है तो उसको क्या कह देंगे? लेफ्ट लैटरल। ओके, लिखिए। पहले तो बना लो, ये हिस्सा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये हिस्सा राइट की तरफ जा रहा है, और आपकी आंखें गड़ी हुई हैं यहां पर नॉर्थ से, तो आप क्या देखोगे, किस पर ज्यादा ध्यान दोगे? भ्रंश के उस पार वाले हिस्से को और उसकी दिशा देखोगे। तो अगर वो लेफ्ट की तरफ गया तो बन जाएगा सिनिस्ट्रल या लेफ्ट लैटरल। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? गलत। राइट का मतलब सही। तो लेफ्ट से दूसरा नाम क्या निकाल दिया? सिनिस्ट्रल, पापी। क्यों? राइट में नहीं जा रहा है, वो कहां जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। बन गया ये, लिखिए इसके बारे में। द मूवमेंट ऑफ ब्लॉक्स, भ्रंश के निकट खंडों की चाल, द मूवमेंट ऑफ ब्लॉक्स अलोंग इन द फॉल्ट, भ्रंश के निकट खंडों की चाल अलोंग द फॉल्ट इज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में है, इज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में है, इज हॉरिजॉन्टल। लंबी कहानी में एक पैराग्राफ हो सकता है, एक लाइन में खत्म किया है उसको डरावने डरावने शब्दों से। द मूवमेंट ऑफ ब्लॉक्स अलोंग द फॉल्ट इज हॉरिजॉन्टल, भ्रंश के निकट खंडों की चाल क्षैतिज दिशा में है, बात ही खत्म। क्या डिप हो रहा है? नहीं। क्या राइज हो रहा है? नहीं। अरे डिप होगा तो राइज भी तो नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, बस एक हिस्सा इधर जा रहा है, एक हिस्सा इधर जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से जा रहा है, ना कि वर्टिकली ऊपर नीचे। क्लियर? एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण। द पिकियांग फॉल्ट, पिकियांग भ्रंश, पी आई क्यू आई ए एन जी, द पिकियांग फॉल्ट, पिकियांग भ्रंश, पी आई क्यू आई ए एन जी कॉमा, माकन डेजर्ट, एम ए के ए एन, माकन रेगिस्तान, चाइना, चीन। तो पिकियांग फॉल्ट कहां पर है? माकन डेजर्ट पे, और माकन डेजर्ट कहां है? चाइना में। वहां पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो आज क्या करोगे इसको और अच्छे समझने के लिए? फिर से गूगल अर्थ खोला, फिर गए चाइना, चाइना में माकन डेजर्ट ढूंढा, माकन डेजर्ट में पिकियांग फॉल्ट ढूंढा, और फिर उसको नॉर्थ डायरेक्शन से देखने की कोशिश करी दूसरी तरफ। तो वो किधर जाना चाहिए? दूसरा हिस्सा लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखेगा। समझ गए? टू सी, टू बी, टू बी में लिखिए, राइट लैटरल दायां पार्श्विक, राइट लैटरल दायां पार्श्विक और डेक्स्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, या डेक्स्ट्रल नतलंबी सरपण भ्रंश और डेक्स्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, या डेक्स्ट्रल नतलंबी सरपण भ्रंश। क्या करना है आपको इसमें? सिर्फ एरो बदल देना है। यहां पर ये एक दूसरे के दूर जा रहे थे, डिप स्लिप करते हुए नहीं, स्ट्राइक स्लिप करते हुए, ऊपर नीचे कोई नहीं जा रहा था, वर्टिकली कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ जो हो रहा था वो हॉरिजॉन्टली हो रहा था, क्षैतिज रूप से हो रहा था। सेम टू सेम यही बनाओ, बस एरो बदल दो। इसको राइट कर दीजिए, इसको लेफ्ट। तो अगर मैं नॉर्थ से देख रहा होता और मुझे एक फॉल्ट दिखता, कौन सा वाला? स्ट्राइक स्लिप वाला, जिसमें कोई डिप नहीं, कोई उठाव, कोई गिरावट नहीं है,
और उस ब्रंश के उस पार मुझे जमीन राइट की तरफ जाती हुई दिखती तो वो डेक्स्ट्रल हो जाता, मतलब ये एक दूसरे के पास आती हुई रगड़ती हुई जा रही है, ये भी पास आते हुए रगड़ती हुई जा रही है, लेकिन दूसरा हिस्सा लेफ्ट में जा रहा है और यहां पर दूसरा हिस्सा राइट में जा रहा है। लोकेशन क्या रहेगी आंखों की? नॉर्थ। और तब क्या करोगे जब नॉर्थ पे खड़े हो गए और एकदम सीधा जाता हुआ दिखा? ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल। नॉर्थ में खड़े हो और भ्रंश है वो ऐसा नहीं दिखा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखा या फिर सीधा दिखा। ऐसे केसेस रेयर होते हैं क्योंकि कुछ भी एग्जैक्ट सीधा नहीं होता है, थोड़े से डिग्री क्या होती है, चेंज रहती है। फिर से स्ट्राइक की डेफिनेशन पे आओ। स्ट्राइक की डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था? स्ट्राइक कितना हो सकता है? नॉर्थ साउथ से हो तो 0 से 180, ईस्ट वेस्ट में हो तो 90 से 270। तो बस डिग्री चिपका देते हैं कि हाँ नॉर्थ से मैं देख रहा हूं एक फॉल्ट मुझे ऐसा नजर आता हुआ दिख रहा है, यानी नॉर्थ साउथ वाला है। तो नॉर्थ साउथ का एंगल कैलकुलेट कर दिया जाएगा, बस एंगल जोड़ देंगे कि ठीक है ये वाला एंगल है। वो इतना डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो बहुत बहुत आगे की कहानी होगी। इतना समझ लो तो भी मैं आपके पैर छू लूंगा, ठीक है, इतना समझ लो बस। 2C, इसमें लिखिए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट रूपांतर भ्रंश, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट रूपांतर भ्रंश, ब्रैकेट में लिखिए स्ट्राइक स्लिप नत लंबी सरपण, स्ट्राइक स्लिप नत लंबी सरपण। देखो आया कुछ समझ में? स्ट्राइक स्लिप सबसे पहले हमने कौन सा समझा था? लेफ्ट लेटरल सिनिस्ट्रल, ये वाला, ये देखो ना, ये वाला एक हिस्सा यहां जा रहा था और एक हिस्सा यहां, तो अगर मैं यहां खड़ा होता तो मुझे लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता। नॉर्मली आंखें यहां है और ये किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट की तरफ, ये दिशा लेफ्ट की तरफ है और मैं देख रहा हूं इसको यहां से, तो ये बन गया लेफ्ट लेटरल या सिनिस्ट्रल वाम पार्श्विक। फिर दूसरा कौन सा देखा? राइट लेटरल। क्या कोई जमीन ऊपर नीचे गई? नहीं, तो डिप तो हुआ नहीं, बस मैं यहां खड़ा था इस तरफ और मैंने दूसरी दिशा भ्रंश के विपरीत दिशा की जमीन देखी, वो राइट जा रही थी, डेक्स्ट्रल बन गया, यही आपने बनाया है बस। अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का एक अच्छा स्पेशल केस में उदाहरण मैंने आपको बताया था, जब वो क्या बनाने लग जाए? प्लेट बाउंड्री। तो प्लेट बाउंड्री में क्या होता है वो लिखिए, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट स्ट्राइक स्लिप, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए ये देखो, ये है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये एक MOR है, लावा निकल रहा है। क्यों निकल रहा है वो तो सब पता है, कन्वेक्शन हॉट एंड कोल्ड वो सारे काम चल रहे हैं। इस लावा के निकलने की वजह से धक्का लिथोस्फीयर में इस तरफ गया, लिथोस्फीयर में उस तरफ चला गया, तो यहां पर जमीन बनी, यहां पर बनी, लेकिन आगे चल के एस्थिनोस्फीयर को लावा बाहर निकालने के लिए सीधी लाइन नहीं मिली। हो सकता है यहां पर बहुत मजबूत चट्टाने थी, वो दरार कहां मिल गई उसको? कमजोर यहां मिल गई, तो यहां से बाहर आ गया वो लावा, तो इसने भी इधर खिसकाया जमीन को, इधर खिसकाया, यानी नई जमीन बनी। तो ये जमीन जब यहां खिसकेगी और ये जमीन जब यहां खिसकेगी तो इन दोनों के बीच में क्या बनने वाला है? एक फॉल्ट। तो क्या कोई जमीन आगे पीछे ऊपर नीचे गई? डिप तो हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो आगे पीछे थोड़ी सी खिसक गई, ये इस तरफ खिसक गई और ये उस तरफ। हुआ क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल कि यहां की जमीन इधर गई और यहां की जमीन यहां गई, तो ये भी क्या होता है? स्ट्राइक स्लिप ही तो होता है, लेकिन अगर ये
प्लेटों की बाउंड्री पे हो, जहां जमीन बनती हो, तो उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। लिखिए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और ये डायग्राम बना दो, या फिर वो ज्यादा अच्छा लग रहा तो वो बना दो, बात एक ही है। ये क्या है? ये पहाड़ है समुद्र के अंदर, और इन्हीं पहाड़ों को क्या कहते हैं? एम ओ आर। जैसे कि ये रहे समुद्र के अंदर, कुछ दिख रहा है आपको? ये पहाड़ है ये, ओके। और ये पहाड़ जो है ये नई जमीन बना रहे हैं और एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। बस ये बना लीजिए, तो इधर जमीन बनेगी, इधर भी जमीन बनेगी। इसी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोला था। तो सी फ्लोर स्प्रेड हो गया इस तरफ और यहां से इस तरफ, तो दोनों के बीच की सिचुएशन को, इस वाले हिस्से को बोल दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, रूपांतरित भ्रंश। क्लियर? पक्का? ठीक, एग्जांपल लिख लिए इसके, एग्जांपल आपने लिख लिए थे आई थिंक। कौन कौन से एग्जांपल लिखे थे? मिड ओशनिक रिज, मध्य सागर कटक, सैन एंड्रियास फॉल्ट, और आई थिंक एल्पाइन फॉल्ट लिखा था, जो कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और ज्यादा क्लियर व्यू देख लो, यही है वो भ्रंश और यही तो प्लेट बना रही है। तो इन प्लेटों में क्या चल रहा है बीच बीच में? हाँ, ये बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये प्लेट नई जमीन बना रही है, ये प्लेट की बाउंड्री नई जमीन बना रही है, तो ये तो टेंशन हो गया एक तरीके से, डाइवर्जेंट, नॉट एग्जैक्टली टेंशन, डाइवर्जेंट, दूर हो रहे हैं। तो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं सर, तो वन ए क्यों नहीं? हाँ, वन ए भी हो सकता है, लेकिन हम तो हर एम ओ आर, हर नए एम ओ आर के गैप के बीच के हिस्से को देख रहे हैं और उस फॉल्ट को पढ़ रहे हैं जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसको फिर से क्लियर करने के लिए पहले वाला डायग्राम देखते हैं जो अभी हमने बनाया था, ये वाला। तो ये तो एक दूसरे से दूर ही हो रहे हैं, लेकिन दूर होने की गति अलग अलग है उसमें, और उस दूर होने की गति के अलग अलग होने की वजह से कुछ हिस्सा तेजी से दूर होता है, कुछ हिस्सा आराम से दूर होता है, तो बीच का हिस्सा क्या बनाएगा? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। बस यही था। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पर, ऑब्लेक फॉल्ट। इसका तो कोई प्रकार नहीं होता, क्योंकि ये तो सबका मिक्स हो सकता है, ये किसी का भी मिक्स हो सकता है। ये किसका मिक्स होगा? वन या टू का, मतलब नॉर्मल लेफ्ट लैटरल हो सकता है, नॉर्मल राइट लैटरल हो सकता है, नॉर्मल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हो सकती है, रिवर्स लैटरल हो सकता है, रिवर्स ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हो सकती है, रिवर्स थ्रस्ट लेफ्ट राइट या ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कॉम्बिनेशन बन सकता है किसी का भी, वो कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। चलिए, ये था नॉर्मल फॉल्ट, ये था रिवर्स फॉल्ट, ये था रोटेशनल फॉल्ट। इसका कोई काम नहीं है हमारे सिलेबस में, ये तो बस रोटेट हो गया, पत्थर का टुकड़ा सीधे नहीं जाते हुए थोड़ा सा क्या हो गया, जाते दूर जाते जाते घूम गया। ये था राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, और अब आएगा ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आप अच्छे से समझ गए, फिर से देख लो इमेज। ये एम ओ आर का हिस्सा दूर गया, ये एम ओ आर का हिस्सा दूर गया, तो इन दोनों के बीच में एक हिस्सा इधर गया और एक हिस्सा इधर गया, लेफ्ट और राइट, तो बीच में क्या बन गया? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ठीक है, दो मिड ओशनिक रिजेस के बीच में होता है ये। डिप स्लिप बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल फॉल्ट जिसमें फुट ऊपर हेड नीचे, उसके बाद रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा? हेड ऊपर और फुट नीचे, तो इन्हीं को हम हेड और फुट बोल रहे हैं, लटकती भित्ती, ये लटक रही है। और अगर इन सब में 45 एंगल से ज़्यादा कम का डिप बन गया तो ये क्या बन जाएगा? रिवर्स थ्रस्ट फॉल्ट। तो इसमें स्टीप स्लोप होती है, इसमें बहुत ही जेंटल स्लोप होगी, ढलान बहुत आराम से बनती है।
तो अब फाइनली ये वाला नॉर्मल फॉल्ट आया समझ में, रिवर्स फॉल्ट में लटकती भित्ति ऊपर चली जाएगी तो लटकती हुई दिखेगी, स्ट्राइक स्लिप में कोई लटकेगा नहीं बस आगे पीछे जाएंगे, और फिर आएगा ऑब्लिक फॉल्ट वन प्लस टू का मिक्स जिसमें ये आगे और पीछे भी जा रहे हैं, ऊपर और नीचे भी जा रहे हैं। ऊपर नीचे जाना डिप स्लिप का काम है, आगे पीछे जाना स्ट्राइक स्लिप का, ऑब्लिक का दोनों। क्लियर? डायग्राम बना लो, ऑब्लिक फॉल्ट में लिखो वन प्लस टू कॉम्बिनेशन, एक और दो का संयोजन समायोजन, वन प्लस टू कॉम्बिनेशन एक और दो का समायोजन, किसी भी टाइप से हो सकता है। नॉर्मल में लेफ्ट राइट ट्रांसफॉर्म, रिवर्स में लेफ्ट राइट ट्रांसफॉर्म, रिवर्स थ्रस्ट में लेफ्ट राइट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म तो तभी बोलेंगे जब वो कहां हो रहा होगा, प्लेट की बाउंड्रीज पे हो रहा होगा। ओके, बना लीजिए। ये डायग्राम बनाने के बाद बताना पड़ेगा कि वन में से क्या हो रहा है और टू में से क्या हो रहा है, डिप स्लिप और स्ट्राइक स्लिप से में से क्या क्या हो रहा है। तो इसकी एक सिचुएशन हम बनाएंगे केवल सिर्फ समझने के लिए कि ऑब्लिक होता क्या है। बड़ा हिस्सा बना दो और फिर छोटा हिस्सा बना दो, ऊपर और नीचे गया जैसे ये दोनों की सरफेस बराबर थी, ये फिसल के नीचे चली गई ये वाला हिस्सा, तो इस एरो में लिखना ऊपर की तरफ गया तो 1a, नीचे की तरफ गया तो 1a। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेंशन फोर्स की। लेकिन केवल नॉर्मल टेंशन फोर्स नहीं था, साथ साथ में स्ट्राइक स्लिप भी हुआ, तो एक हिस्सा गया नीचे की राइट की तरफ 2a, दूसरा हिस्सा गया लेफ्ट की तरफ 2a, और मेरी आंखें कहाँ हैं, यहां, तो मैंने ये वाला हिस्सा देखा। ठीक, तो अब दुनिया में जितने भी फॉल्ट्स आएंगे उसमें मुझे सबसे ज्यादा कौन से दिखेंगे, फॉल्ट तो बहुत सारी जगह, जरूर थोड़ा ना कि प्लेट की बाउंड्री पे आए सारे के सारे, कहीं भी आ सकते हैं, हिमालय के क्षेत्र में आ सकते हैं। सबसे ज्यादा मुझे यही दिखेगा ऑब्लिक, क्योंकि सब कुछ बराबर नहीं होने वाला है, हो सकता है कि वन के साथ थोड़ा बहुत टू भी हो, टू के साथ थोड़ा बहुत वन भी हो। जमीन एकदम मैदान है और वहां पे हॉरिजॉन्टल फॉल्ट चल रहा है, या तो लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल, तो क्या जरूरी है कि बिल्कुल वो एक दूसरे से रगड़ते हुए सीधे सीधे जाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे भी हो। तो नॉर्मली दुनिया में सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन सा होगा, ऑब्लिक, क्योंकि ये हो सकता है तो थोड़ा तत्व इसका होगा पहला, हो सकता है तो थोड़ा बहुत तत्व इसका हो सकता है, और इसको समझने के लिए हमने ये बना दिया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्या ऐसा कुछ होता है, ना कि ऐसा, ये बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं, परफेक्शन के साथ होते हैं, तो दुनिया परफेक्ट वैसे भी नहीं है, इसलिए ऑब्लिक होता है। लिख लीजिए, ऑलमोस्ट ऑल द फॉल्ट्स इन द वर्ल्ड, विश्व में लगभग सभी भ्रंशों में, ऑलमोस्ट ऑल द फॉल्ट्स इन द वर्ल्ड, विश्व में लगभग सभी भ्रंशों में बोथ आर फाउंड टू सम एक्सटेंट, दोनों के अंश कुछ मात्रा में मिलते हैं, बोथ आर फाउंड टू सम एक्सटेंट, दोनों के अंश कुछ मात्रा में मिलते हैं। क्योंकि अगर डिप हुआ और एंगल केवल डिप का 1% ही हुआ या 1 डिग्री ही हुआ, तो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बोलेंगे कि दिमाग कौन लगाए, इसको तो स्ट्राइक स्लिप ही बोल दो, ना कि डिप बोलो, क्योंकि डिप एंगल और कम होते 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 1 डिग्री का भी हुआ तो फिर उसको डिप बोलने की जरूरत क्या है,
भले ही वो एक डिग्री का एंगल बनाकर थोड़ा सा डिप हो गया, लेकिन एंगल कम था ना डिप का, नॉर्मली क्या बोल देंगे, इतना टेंशन नहीं लेना, स्ट्राइक स्लिप है ये। ओके, पढ़ लो एक बार जो भी लिखा और क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि दो साल बाद जब ये कागज फिर से खुलेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी, भूकंप आ जाएगा। ये सारी इमेजेस भी आपको लेक्चर की वीडियो में मिल ही जाएंगी स्टार्टिंग और एंडिंग में, तो वो मैं दे दूंगा। क्लियर है मेरे हिसाब से? नहीं, बस वो नाम का रहेगा और क्या है, पजल जैसा है ये तो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, डिप स्लिप स्ट्राइक समझ में आ गया आपको, बस उसके हिसाब से फॉल्ट बना देने। डिप मतलब नीचे जाना, स्ट्राइक मतलब शीयर फोर्स की वजह से राइट या लेफ्ट चले जाना, और स्लिप तो डिप के साथ होगा ही, स्लिप तो स्ट्राइक के साथ भी होगा ही, क्योंकि दो टुकड़े स्लिप हो रहे हैं, फिसल रहे हैं, तो फिसल तो सभी जगह रहे हैं, बिना फिसले तो कोई दरार आएगी ही नहीं ना। क्लियर क्वेश्चन? नहीं, कल तक आएंगे, अभी सिर्फ देखिएगा इसको, बार बार पढ़िएगा, ये परमानेंटली याद रखना है आपको। ज्योग्राफी के अगर रिलेटिवली ज्योग्राफी के जियोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, ये नंबर ज़्यादा लेकर आती हैं बजाय कुछ नॉर्मल बकवास करने के, ये नदी है, ये वो है, ये भ्रंश घाटी है, सब समझाओ तो नंबर पूरे मिलेंगे, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने में। आ गया समझ में? नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आया है। खेल है शब्दों का, बस हेडिंग डालिए होर्स्ट एंड ग्रैबन। होर्स्ट HORST होर्स्ट एंड ग्रैबन एवं ग्रैबन GRABEN। पॉइंट्स लिखिए, पहला जर्मन शब्द है ये। ओके, पहला फॉल्ट मूवमेंट कैन कॉज अर्थक्वेक्स, भ्रंश भूकंपों का काम करते हैं। फॉल्ट मूवमेंट्स कैन कॉज अर्थक्वेक्स, भ्रंश भूकंपों का काम करते हैं। भ्रंशों का काम ही क्या है, यही है ना, यानी जिस पॉइंट पे फॉल्ट आया उस पॉइंट को हम हाइपोसेंटर बोल देंगे, बहुत सिंपल है, उसी हाइपोसेंटर से पूरी तरंगे फैलेंगी और अर्थ की सरफेस पे आके एपिसेंटर बना देंगी, जैसे कि ये मान लो सतह इसके बहुत ऊपर है अर्थ की, और इसके बहुत नीचे किसी जमीन के एक टुकड़े, मैंने जमीन तो पूरी ही है, उस जमीन का बस एक ब्लॉक बना दिया मैंने, मान लीजिए ये है सरफेस सतह, सतह के ठीक नीचे एक क्या बनेगा, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर का मतलब होगा ये एक प्लेन के बीच का हिस्सा है, और वहां पर एक पत्थर है जिसने सारा वजन संभाल रखा है कि स्लिप ना हो जाए। कब तक संभालेगा, क्योंकि प्रेशर तो और आता रहेगा, और एक दिन वो पत्थर चूरे में बदल जाएगा और फिर पूरा स्लिप होगा और डिप भी होगा, और जब ऐसा होगा तब इस जगह को जहां पर वो पत्थर जिसने सब संभाल रखा था करोड़ों साल से, वो चूरा हो गया, उस जगह को बोलेंगे हाइपोसेंटर। वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, घिस गया, और यहां से भूकंप की तरंग शुरू होगी और कहां जाएगी, सतह पे आएगी, हमको महसूस होगी, और उसको हम कहेंगे भूकंप केंद्र, एपिसेंटर। तो वो केंद्र जहां पर वो पत्थर टूट के अलग हो जाता है या उसका चूरा हो जाता है वो हाइपोसेंटर होता है, और उसका असर जो ऊपर पृथ्वी पे दिखता है जिस पॉइंट पर, वो एपिसेंटर होता है, और इस जगह पर होता है रप्चर, यानी पत्थरों का चूरा बन के टूट जाना। अगर ये ऊपर नीचे जा रहे हैं तो कोई पत्थर तो टूट फूट रहे होंगे ना, और वही पत्थर उनको रोक भी रहे होंगे कि नहीं ऊपर नीचे नहीं जाना है, लेकिन कब तक, प्रेशर तो दोनों तरफ से आ रहा है, जैसे कि टेंशन या कंप्रेशन, वो घिस जाता है। तो इसी को बोलेंगे फॉल्ट प्लेन, भ्रंश आधार।
तो ये बना लीजिए। इस ब्लॉक को नाम दे दो फॉल्ट प्लेन, भ्रंश का आधार। बीच में एक डॉट बनाइए, उस डॉट का नाम लिखिए हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर, उस भ्रंश के आसपास सर्कल बनाइए, हाइपो सेंटर के आसपास। और उस सर्कल का मतलब है आसपास की सारी पत्थरें क्या है, टूट रही हैं, झेल नहीं पाई, और उसको कहेंगे रप्चर, टूटन क्षेत्र। RUPTURE, रप्चर, टूटन क्षेत्र। और इसका सीधा असर ऊपर की तरफ जाएगा सतह पर, और ऊपर का पॉइंट का नाम लिखिए एपिसेंटर। ये हमारी जमीन है, एपिसेंटर। साइड में लिखना सरफेस, सतह, एपिसेंटर, भूकंप केंद्र। बन गया, बस यही था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द सेंटर ऑफ फॉल्ट कैन बी स्मॉल एरिया फुल ऑफ कैटाक्लेसाइट। भ्रंश का मध्य बिंदु एक छोटा क्षेत्र हो सकता है। द सेंटर ऑफ फॉल्ट कैन बी अ स्मॉल एरिया, भ्रंश का मध्य बिंदु एक छोटा क्षेत्र हो सकता है। कैन बी अ स्मॉल एरिया फुल ऑफ कैटाक्लेसाइट, पिसे हुए पत्थर का बना हुआ। फुल ऑफ कैटाक्लेसाइट, CATACLESITE, कैटाक्लेसाइट, पत्थरों के चूरे को कैटाक्लेसाइट कहते हैं। तो यह बहुत छोटा सा एरिया हो सकता है जो किससे बना होता है, कैटाक्लेसाइट से बना होता है। मतलब अगर फॉल्ट में वो पत्थर आ गया तो उसका चूरा बनना तय है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट में गए तो मैग्मा बन जाएगा, फिर आएगा तो इग्नियस बन जाएगा, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री बनेगा, मैग्मा बनेगा, मेटामॉर्फिक बनेगा, और मेटामॉर्फिक बनने के बाद हो सकता है फिर से सबमर्ज होके, सबडक्ट होके फिर से लावा बन जाए, और उससे पहले क्या बन जाए, कैटाक्लेसाइट, चूरा। कुछ भी हो सकता है पत्थर के साथ, हमको लगता है पत्थर के साथ कुछ नहीं होता, बेचारा कितना घूमता है, सब कुछ तो हो रहा है उसके साथ में। इसीलिए नॉर्मली ओशियनिक क्रस्ट नहीं होती है, और पुरानी कौन होती है, कॉन्टिनेंटल, कहीं नहीं जाने वाली, वो तो ऊपर ही रहेगी हमेशा। ओशियनिक क्रस्ट बनती और मरती रहती है, इसीलिए कई कई जगहों पर 3-3 करोड़ साल पुराने पत्थर भी मिलते हैं, जैसे कि कैनेडा। कैनेडा में 3 करोड़ साल पुराने पत्थर हैं जिनका कुछ नहीं बिगड़ा है, बिकॉज वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ओके, सबडक्शन नहीं होता ना उनका। थर्ड पॉइंट, फॉल्ट्स कैन बी एक्टिव, इनएक्टिव और रीएक्टिवेटेड। भ्रंश सक्रिय, फॉल्ट्स कैन बी एक्टिव, भ्रंश सक्रिय, इनएक्टिव निष्क्रिय, और रीएक्टिवेटेड या पुनः सक्रिय हो सकते हैं, और रीएक्टिवेटेड या पुनः सक्रिय हो सकते हैं। भ्रंश एक्टिव हो सकते हैं मतलब चल रहे हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं मतलब एक पत्थर आ गया है बीच में और वो टूट नहीं रहा है और पकड़ रखा है उसने फॉल्ट को, और जिस दिन वो टूट गया फिर से क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, फिर से चलना शुरू हो जाएगा। तो 3 टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे प्यार होता है ना, सालों बाद याद आता है तो फिर से रोने लग जाते हैं, बस वैसे ही होता है रिएक्टिवेशन। फोर्थ, एक्टिव फॉल्ट कैन गिव राइज टू डिस्प्लेसमेंट। सक्रिय भ्रंशों से विस्थापन होता है। एक्टिव फॉल्ट कैन गिव राइज टू डिस्प्लेसमेंट, सक्रिय भ्रंशों से विस्थापन होता है। एंड शैलो अर्थक्वेक, और उथले भूकंप भी। एंड शैलो अर्थक्वेक, और उथले भूकंप भी। मतलब ऊपर ऊपर हुआ तो एक्टिव फॉल्ट बोल देंगे या एक्टिव अर्थक्वेक बोल देंगे। बहुत गहराई में हुआ तो एक नाम बताया था मैंने आपको, वदाती बेनियोफ जोन हो जाएगा वो, ओके। ऊपर ऊपर हुआ एक्टिव, बहुत डीप में हुआ तो वदाती बेनियोफ जोन की वजह से हुआ। लिखा है ना शैलो अर्थक्वेक, उथले भूकंप, ऊपरी ऊपरी भूकंप बनाते हैं कौन, एक्टिव फॉल्ट, क्योंकि वो ऊपर ऊपर चल भी रही है तो कहीं ना कहीं वो भूकंप का असर देती रहेगी।
लेकिन अगर लिथोस्फीयर का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल के नीचे जा रहा है तो बहुत गहराई में वदाती बेनी ऑफ जोन बन चुका होगा, और वहां पर ओशनिक क्रस्ट नीचे की तरफ और खिसका तो ऊपर सब खिसक जाते हैं। ओके, वो भयंकर भूकंप होता है। ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा? वदाती बेनी ऑफ वाला होगा। फिफ्थ, इनएक्टिव फॉल्ट्स हैव रिमेंड, निष्क्रिय भ्रंश लाखों वर्षों से ऐसे ही पड़े हैं। इनएक्टिव फॉल्ट्स हैव रिमेंड सो फार फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, निष्क्रिय भ्रंश लाखों वर्षों से ऐसे ही पड़े हैं, हैव रिमेंड सो फार सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव डेटिंग की वजह से पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी के नीचे कोई हरकत हो रही है या नहीं हो रही है, तो पता ये लगता है कि हाँ ये हरकत तो हो रही थी लेकिन लाखों वर्ष पहले ये भ्रंश आगे पीछे बनना बंद हो गए और ये रुक गए हैं, मतलब अब ज़रूरत नहीं है इन भ्रंशों को आगे पीछे निकलने की। लेकिन कभी कभार वो भ्रंश क्या हो सकते हैं? रीएक्टिवेट भी हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, रीएक्टिवेटेड फॉल्ट्स पुनः सक्रिय भ्रंश, रीएक्टिवेटेड फॉल्ट्स पुनः सक्रिय भ्रंश हैव बिकम एक्टिव रिसेंटली, हाल ही में सक्रिय हुए हैं, हैव बिकम एक्टिव रिसेंटली, हाल ही में सक्रिय हुए हैं। तो अमेरिका में एक न्यू मैड्रिड मेजरिंग जोन है, वहां पे देखा गया है अभी अभी कि ये फॉल्ट तो रुका हुआ था, अब फिर से क्या हो गया है, वो चलने लगा है। ओके, न्यू मैड्रिड मेजरिंग जोन कहते हैं उस एरिया को अमेरिका की, न्यू मैड्रिड मेजरिंग जोन। टू रिलीव द स्ट्रेन इनसाइड द क्रस्ट, जो भूपर्पटी में मौजूद तनाव को, टू रिलीव द स्ट्रेन इनसाइड द क्रस्ट, जो भूपर्पटी में मौजूद तनाव को बाहर निकलने की दिशा दे रहा है। टू रिलीव द स्ट्रेन इनसाइड द क्रस्ट, जो भूपर्पटी में मौजूद तनाव को बाहर निकलने की दिशा दे रहा है, मध्य अमेरिका में, इन सेंट्रल यूएसए, मध्य अमेरिका में, इन सेंट्रल यूएसए। अब होर्स्ट और ग्रैबन समझना है। होर्स्ट और ग्रैबन का डायग्राम ये रहा। इस डायग्राम से समझ में आएगा कि नर्मदा घाटी कैसे बनी। बनाना स्टार्ट कीजिए। कोई भी एंगुलर डायग्राम बनाते वक्त उसका बेस बनाना चाहिए। डैश लाइन बना दो ये वाली, फिर डैश लाइन बनाओ ये वाली, और फिर डैश लाइन बनाओ सबसे ऊपर वाली, फिर आसानी से बनेगा वो। ये डैश लाइन नहीं दिख रही, एक दो और तीन, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और एक ये वाली, पैरेलल बनाना। और अलग रंग के पेन। बनाइए, शेडिंग भी कर दीजिएगा, एक हिस्सा ऊपर दूसरा हिस्सा नीचे, एक हिस्सा ऊपर दूसरा हिस्सा नीचे, एक हिस्सा ऊपर। इस तरफ जो मिट्टी थी वो खिसक कर नीचे आ गई तो इस लेवल पे आ गई, जैसे ये येलो हिस्सा खिसक के नीचे आया, तो आपको कुल मिला के एक दो तीन चार लेवल बनाने, जिसमें से तीन पहाड़ उठे हुए दिखाएंगे आप और दो ग्रैबन घिरे हुए। ग्रैबन का मतलब होता है खाई या घाटी, होर्स्ट का मतलब होता है उठे हुए पहाड़, जो एक नकली पहाड़ होते हैं, सूडो माउंटेन्स। ये ऊपर नहीं आए नीचे से, ये वहीं है, आसपास की जमीन नीचे खिसक गई है। तो ये आपने नॉर्मल फॉल्ट बनाना है, नॉर्मल फॉल्ट बनाया था 1A में, तो बस ये 1A अगर असर करता है तो क्या बन जाता है, ऐसी घाटियां बन जाती हैं, जैसे नर्मदा घाटी बनी। नर्मदा घाटी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ 1A, जिसका नाम है नॉर्मल और टेंशन फॉल्ट, सामान्य या टेंशन बल।
ऐसा हो क्यों रहा है, उसके लिए एक एरो यहाँ और एक एरो यहाँ बनाना है दूर दूर जाते हुए। कंप्रेशन है या टेंशन? टेंशन। टेंशन है तो क्या हो गया, वो नॉर्मल फॉल्ट, सामान्य भ्रंश। तो टेंशन हुआ, इस दीवार, इस जमीन के हिस्से ने इस जमीन के हिस्से को दूर करने की कोशिश की, तो बीच में तो गड्ढे होंगे ही, और उन्हीं गड्ढों को ग्रेवन बोल दिया जाता है, और दूसरी तरफ आते हैं होर्स्ट। स्क्रीन पे भी वही दिख रहा है। पहले इनकी चार लेयर बना देना, किसकी? होर्स्ट की, जो उठे हुए पहाड़ है, और चार लेयर फिर इनकी भी बना देना दो की, जो ग्रेबन है, जो निचली घाटियां हैं। लेयर मतलब पत्थरों के टुकड़े, ऊपर मिट्टी होगी, फिर पत्थर आएंगे, फिर बड़े पत्थर आएंगे, फिर चट्टाने आएंगी बड़ी साइज की, तो वो चार हमने ऐसे बता दिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और नक्शे बनाना पसंद नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा ज्योग्राफी का? भूगोल में तो नक्शे ही बनाने पड़ते हैं। हो गया। उसकी मदद ले लो। या बनाते बनाते ही भूल गए, अब क्या करें? बस लेयर बना लेना। ठीक है, दो गड्ढे बने हुए, उनका नाम लिखिए ग्रेबन। बला मिलना क्लास के बाद आराम से, हो गया। इसका नाम लिखिए ग्रेबन, GREBEN। ये जो गड्ढा है ना, ये जो धरती नीचे खिसक गई है, वो है ग्रेबन। और जो उठे हुए भाग हैं तीन, उनका नाम है होर्स्ट, HORST। इसके बाद में टेंशन फोर्स दिखा दीजिए, तनाव बल। इसके बाद में ये जो फॉल्ट प्लेन है, ये कौन से टाइप की फॉल्ट प्लेन है? नॉर्मल सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट, सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट। अरे हैंगिंग वॉल कहाँ गई है? नीचे। हैंगिंग वॉल किसको कहेंगे? ये लटकती हुई वॉल है ना, तो हैंगिंग वॉल नीचे, और फुट वॉल ऊपर। हैंगिंग और फुटवॉल तो समझ में आ गया है ना, तो ये नॉर्मल फॉल्ट हो गई। कितनी सारी चीजें है ना एक साथ याद रखनी पड़ रही है, दर्द हो रहा होगा ना सिर में। लिखिए, ये बना लीजिएगा आराम से, लिखिए। अब होर्स्ट एग्जांपल्स, होर्स्ट के उदाहरण। एरो बना के लिखो। रिजेस स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ वैलीज, घाटियों की दोनों ओर खड़ी चोटियां। रिजेस स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ वैलीज, घाटियों की दोनों ओर खड़ी चोटियां। इस तरफ ये खड़ा हुआ है, इस तरफ ये, तो इन चोटियों को क्या कहेंगे? होर्स्ट।
और जो गिरी हुई रहेंगी घाटियां उनको ग्रैबन। ग्रैबन के एग्जाम्पल में लिखिए, ग्रैबन एग्जाम्पल, ग्रैबन उदाहरण, रिफ्ट कॉमा रिवर वैलीज, दरारें या नदी घाटियां। रिफ्ट कॉमा रिवर वैलीज, दरारें या नदी घाटियां। चलिए पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए इस नक्शे का। पहला पॉइंट, मेजर एग्जाम्पल्स आर, प्रमुख उदाहरण है, मेजर एग्जाम्पल्स आर, प्रमुख उदाहरण है, ए अपर राइन वैली ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, उत्तरी यूरोप की ऊपरी राइन घाटी, अपर राइन RHINE, राइन वैली ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, उत्तरी यूरोप की ऊपरी राइन घाटी, राइन नदी का नाम है ना, जर्मनी वर्ल्ड वॉर, ये क्या होगी, ब्रैकेट में लिखो ग्रैबन, घाट है ना ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा ग्रैबन, विच लाइज बिटवीन वॉसगेस माउंटेन्स फ्रांस, जो वॉसगेस VOSGAS वॉसगेस पहाड़ फ्रांस, वॉसगेस माउंटेन फ्रांस एंड ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के बीच स्थित है, एंड ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के बीच स्थित है। ग्रैबन तो घाटी है, तो राइन घाटी क्या है, नदी की घाटी जो नीचे है, और उसके दोनों तरफ क्या है, वॉसगेस माउंटेन एक तरफ फ्रांस में और जर्मनी में दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट, तो बीच का हिस्सा नीचे घिरा हुआ है। यह है बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका। बी पॉइंट, बी पॉइंट में हम इंडिया आ जाएंगे, नर्मदा घाटी, नर्मदा रिवर ग्रैबन, नर्मदा नदी का ग्रैबन, GRABEN, नर्मदा रिवर ग्रैबन, नर्मदा नदी ग्रैबन, सिचुएटेड बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा होर्स्ट, जो विंध्य और सतपुड़ा होर्स्ट के बीच है, सिचुएटेड बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा होर्स्ट, जो विंध्य और सतपुड़ा होर्स्ट के बीच में है। ये हो गया पहला पॉइंट खत्म। सेकेंड पॉइंट लिखिए, दस अतः होस्ट एंड ग्रैबन आर रीजन, होस्ट और ग्रैबन वो क्षेत्र हैं, होस्ट एंड ग्रैबन आर रीजन्स, होस्ट और ग्रैबन वो क्षेत्र हैं, दैट लाइज बिटवीन नॉर्मल फॉल्ट्स, जो सामान्य भ्रंश के नीचे होते हैं, दैट लाइज बिटवीन नॉर्मल फॉल्ट्स, जो सामान्य भ्रंश के नीचे होते हैं, एंड आर हायर एंड लोअर रेस्पेक्टिवली, एवं ऊंचाई व नीचाई बनाते हैं, एंड आर हायर एंड लोअर रेस्पेक्टिवली, ऊंचाई व नीचाई बनाते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म टूगेदर, और साथ में होते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म टूगेदर, और साथ में होते हैं। थर्ड पॉइंट, इन कैलिफोर्निया US, कैलिफोर्निया US में न्यू बिल्डिंग एक्टिविटी इज बैंड, नई इमारतों का निर्माण प्रतिबंधित है, न्यू बिल्डिंग एक्टिविटी इज बैंड, नई इमारतों का निर्माण प्रतिबंधित है, ओवर द फॉल्ट्स, भ्रंशों के ऊपर, दैट हैव मूव्ड इन होलोसीन अपॉक, जो होलोसीन काल के दौरान खिसके थे, दैट हैव मूव्ड इन द होलोसीन अपॉक, जो होलोसीन काल में खिसके थे। तो ये होलोसीन काल क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो 11,000 years past, 11,000 वर्ष पूर्व, मतलब कैलिफोर्निया US में जो भ्रंश है वो आखिरी बार कब खिसका था, 11,000 साल पहले, होलोसीन अपॉक में, तो अभी भी खिसक सकता है, तो इसलिए वहां पे नई बिल्डिंगें नहीं बनाई जाती। फोर्थ पॉइंट, फॉल्ट्स दैट हैव शोड मूवमेंट ड्यूरिंग होलोसीन एपॉक, जो भ्रंश होलोसीन काल में खिसके थे, फॉल्ट्स दैट हैव शोड मूवमेंट ड्यूरिंग होलोसीन एपॉक, जो भ्रंश होलोसीन काल में खिसके थे, और प्लिस्टोसीन एपॉक या प्लिस्टोसीन काल में, PLEISTOCENE, या प्लिस्टोसीन काल में, और प्लिस्टोसीन एपॉक,
तो प्लिस्टोसिन क्या होता है वो भी लिखो, पास्ट 26,000 ईयर, 26,000 वर्ष पहले, मे एंडेंजर पावर प्लांट्स एंड डैम्स, के कारण ऊर्जा संयंत्र और बांध को नुकसान हो सकता है, मे एंडेंजर पावर प्लांट्स और डैम्स के कारण पावर प्लांट या ऊर्जा संयंत्र और डैम को नुकसान हो सकता है। ब्रंच घाटी में डैम बना दो, इकट्ठा करो पानी ढेर सारा, उस पानी के वजन से ही वो घिसक जाएगी थोड़ी सी और डैम टूटेगा। ये होते हैं फॉल्ट्स, हमने सारे फॉल्ट पढ़ लिए, सारे भ्रंश। फॉल्ट क्यों हुए? क्योंकि दरारें पड़ी। अब जब दरारें नहीं पड़ेंगी तो फॉल्ट नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? फोल्ड हो जाएंगे, तो दरारें नहीं आने वाली हैं। तो अब इससे भी खतरनाक वाला चार्ट ये बनेगा, हेडिंग डालिए फोल्ड बलन, फोल्ड बलन, जैसे हिमालय क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है, दरारें नहीं है, फोल्ड हो जाता है वो। मतलब ये बहुत ठोस चट्टाने होती हैं और ये उतनी ठोस नहीं होती हैं, तो ये क्रैक नहीं बनाती हैं, ये मुड़ जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। पेट्रोलॉजी बताया था आपको, स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। तो उसी तरीके से फोल्ड्स में रियोलॉजी बोला जाता है, तो अब अपन रियोलॉजी की स्टडी करेंगे। चलिए लिखिए पहला पॉइंट, रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मैटर, पदार्थ प्रवाह विज्ञान, रियोलॉजी, आर एच ई ओ एल ओ जी वाई, हिंदी में बोलेंगे पदार्थ प्रवाह विज्ञान, इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मैटर, प्रयुक्त बल से पदार्थ के प्रवाह को मापता है, इज रिस्पॉन्सिबल टू अप्लाइड फोर्स, प्रयुक्त बल से पदार्थ के प्रवाह को मापता है, इज रिस्पॉन्सिबल टू अप्लाइड फोर्स, आइदर इन लिक्विड फॉर्म, या तो पदार्थ तरल, आइदर इन लिक्विड फॉर्म या तो पदार्थ तरल, कॉमा, और सॉफ्ट सॉलिड नर्म ठोस, और सॉफ्ट सॉलिड नर्म ठोस, और प्लास्टिक सॉलिड फॉर्म या नम्य ठोस रूप में हो सकता है, और प्लास्टिक सॉलिड फॉर्म या नम्य ठोस रूप में हो सकता है। देखो पिछले डायग्राम में चट्टान टेंशन नहीं ले पाई, क्रैक हो गई। इस वाले डायग्राम में जो अपन बताएंगे उसमें आप ये मान लो कि चट्टान अगर टेंशन ले लेती या कंप्रेशन झेल जाती और फ्रैक्चर नहीं होती तो क्या बन जाते हैं? फोल्ड। टेंशन है, कंप्रेशन है, लेकिन वो झेल नहीं पाई चट्टान, फॉल्ट, इसलिए टूट गई। टेंशन है, कंप्रेशन और झेल गई चट्टान, इसलिए फोल्ड हो गई, टूटी नहीं। सेकेंड पॉइंट, फोल्ड्स आर फॉर्म्ड इन ओरिजिनली प्लेनर सरफेसेस, बलन मूल रूप से तलीय सतह में बनते हैं, फोल्ड्स आर फॉर्म्ड इन ओरिजिनली प्लेनर सरफेसेस, बलन मूल रूप से तलीय सतह में बनते हैं, व्हेन दे आर बेंट और कर्व्ड, जब स्थायी विरूपण से, व्हेन दे आर बेंट और कर्व्ड, जब स्थायी विरूपण से, ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन, उनमें मोड़ या वक्र पड़ जाते हैं, ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन, उनमें मोड़ या वक्र पड़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्ट्रेस फील्ड, बलन के प्रकार दो कारकों पर निर्भर हैं, फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्ट्रेस फील्ड, बलन के प्रकार दो कारकों पर निर्भर हैं, एंड द रॉक रियोलॉजी, व चट्टानों की प्रवाह प्रकृति पर, एंड द रॉक रियोलॉजी, और चट्टानों की प्रवाह प्रकृति पर, यानी पेट्रोलॉजी और रियोलॉजी दोनों साथ में हैं। थर्ड पॉइंट समझ में आया, बलन के प्रकार दो कारकों पर निर्भर करते हैं, एक स्ट्रेस फोर्स और दूसरा चट्टानों का बहाव,
चट्टान किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो रॉक रियोलॉजी बोला। चट्टान तो है ही, वो बह रही है आगे, तो रियोलॉजी। रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पदार्थ प्रवाह विज्ञान, पदार्थ किस तरीके से प्रवाह करता, आगे बहता है। तो क्या ये बहता हुआ दिख रहा है? हाँ, क्योंकि ये टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। फोर्थ, रॉक्स विच डिफॉर्म इजिली, आसानी से विरूपित होने वाली चट्टाने, रॉक्स विच डिफॉर्म इजिली, आसानी से विरूपित होने वाली चट्टाने, फॉर्म शॉर्ट वेव लेंथ, छोटी तरंग बनाती हैं, फॉर्म शॉर्ट वेव लेंथ, छोटी तरंग बनाती हैं, जो आसानी से मुड़ जाएंगी वो तरंगे बनाएंगी आसानी से। हाई एम्पलीट्यूड फोल्ड्स, वह उच्च आयाम बलन बनाती हैं, एंड हाई एम्पलीट्यूड फोल्ड्स, वह उच्च आयाम बलन बनाती हैं, एंड वाइसा वर्सा, इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, एंड वाइसा वर्सा। चट्टान सॉफ्ट होंगी तो क्या करेंगी? छोटी छोटी तरंगे बनाएंगी, क्योंकि सॉफ्ट है, जैसे चादर सॉफ्ट होता है, पास लाओगे तो छोटी छोटी सल बनाएगा और बहुत सारी सल बनाएगा, और एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? ज्यादा रहेगा, उच्च बलन रहेगा। लेकिन अगर वो सॉफ्ट ज्यादा ना हो, थोड़ी सी हार्ड है, तो शॉर्ट वेव नहीं बनाएंगी, वो थोड़ी सी लॉन्ग वेव बनाएंगी, और एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, क्योंकि पत्थर क्या है? थोड़ा सा मजबूत है। ओके, लैंडस्केप पर आ जाओ, फोल्ड्स बनवा दूं, फोल्ड बनाना स्टार्ट कीजिए। तीन कलर के पेन यहां से शुरू हो जाओ। कौन सी लाइन से शुरू करोगे पहले ये देख लो। इस लाइन से पहले सिर्फ सरफेस बनाइए ऐसे, फिर नीचे ये वाला हिस्सा। ये जो व्हाइट चौक जा रही है सेकेंड लाइन वाली, वो प्राइमरी लाइन है। तो ये जो चौक है पहले वो वाली लाइन बना लो, यहां से शुरू करो। इसको इसकी इमेज भी देख लेते हैं। ये देखिए हॉर्स और ग्रैबन का एग्जांपल ये रहा। फिर ये भाई साहब खड़े हुए हैं साइड में, क्या हुआ है यहाँ पर? एक फॉल्ट हुआ है। कौन सा? नॉर्मल। इसको हैंगिंग वॉल बोलूँगा, इसकी तरफ से इसको क्या बोलूँगा? फुट वॉल। बस इसके बाद ये इसमें तो कमी है, अपन ज़्यादा टाइप के पढ़ेंगे, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सब आएगा। सबसे पहली लाइन को कंप्लीट करते 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 यहां तक ले आइए। ये जो ऊपर की लाइन है ना, ये तो बस सरफेस दिखाने के लिए कि इतनी दूर तक जा रही है। तो ये बेचारी लाइन यहां से यहां तक दिखेगी, फिर यहां से शुरू होगी और यहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो पीछे नहीं दिखेगा। फिर यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर चलते चलते पूरी दिखेगी, यहाँ ख़त्म हो जाएगी, फिर ये यहाँ से यहाँ तक दिखेगी। तो इसलिए मैंने बोला था सेकेंड लाइन पहले बनाना, वो पूरा बेस बनाएगी आपका। सेकेंड लाइन के बाद में फर्स्ट लाइन कंप्लीट कीजिए, यानी ऊपर की सरफेस पूरी दिखा दीजिए। ये उसके बाद यहाँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हुए यहाँ और यहाँ जाके ख़त्म। फिर लेकर आओ यहाँ से और यहाँ ख़त्म कर दो। उसके बाद में येलो लाइन पे आ जाइए, येलो में ज़्यादा मोड़ नहीं आएंगे, थोड़े से मोड़ आएंगे,
वो मोड़ बनाते बनाते आगे तक जाइए और फिर येलो की सेकंड लाइन पे आ जाइए। ये बस सतह का एक हिस्सा है जिसमें एक टाइप की चट्टानें चल रही हैं जो आसानी से मुड़ गई। इसे एक डायग्राम में अलग अलग टाइप के फोल्ड कवर हो जाएंगे। तो येलो वाला पट्टा बना लो, येलो के बाद पिंक, पिंक तो सबसे आसान है, नीचे नीचे ही चलेगा, थोड़ा सा उठ जाएगा क्योंकि ये भी उठा हुआ था, ये उठेगा तो क्योंकि ये उठा हुआ है, यहाँ पर उठेगा क्योंकि यहाँ पे एक सिंक्लाइन एंटीक्लाइन बना हुआ है, फिर थोड़ा यहाँ उठेगा, ऐसे करते 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 आगे तक जाइए। एक बार में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने आज। ताकि टेस्ट में बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको दिए जा सकें। डिप स्लिप फॉल्ट। ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद उनको शेड कर दो। जैसे येलो वाला पट्टा डॉट से शेडेड है, पिंक वाला बेल्ट पूरा शेडेड है और वाइट तो क्रस्ट हो गई, यानी सबसे ऊपर का हिस्सा हो गया। इसके बाद आपको प्लेन बनाना है, सरफेस बनानी है, जिस सरफेस पे वो क्या हुए हैं, मुड़े हैं। तो अलग अलग टाइप से मुड़ते हैं। तो पहली सरफेस ये बना लो, ये एक प्लेन बना लो, एक कागज़ के टुकड़े जैसा बना लो कि हाँ इसको बीच में से हम काट के देख सकें। तो ये वाला एक प्लेन बनेगा, तो इसका कुछ हिस्सा ही दिखेगा इस कागज़ का या इस प्लेन का। फिर दूसरा वाला प्लेन इस ढलान पे बनेगा, तो ये किसी कागज़ की तरह हम इसको अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिखा दीजिए। फिर उसके बाद इस कागज़ के टुकड़े को हम अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टुकड़ा दिखाइए प्लेन का। ये फोल्ड के प्लेन होते हैं, जैसे फॉल्ट प्लेन था वैसे फोल्ड प्लेन होगा। तो ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः प्लेन दिखाइए और छठे प्लेन को तो पूरा ही मोड़ दो। ठीक है, नाम तो अब आने वाले हैं हिंदी में और इंग्लिश में। हो गया, करें स्टार्ट। चलिए नाम लिखना स्टार्ट कीजिए, नंबर वाइज नाम लिखेंगे। जब भी कोई फोल्ड होता है चट्टान का कोई हिस्सा या परत, तो उसके लिम बनते हैं हाथ, जैसे एक लिम इधर है और दूसरा लिम इधर है, अंग। उसी तरीके से अलग अलग लिम्स बनेंगे। सबसे पहले हमें इस ढलान का नाम लिखना है, ये क्या है, क्योंकि इसमें फोल्ड तो हुआ है लेकिन क्या दोनों साइड हुआ है, नहीं एक ही तरफ हुआ है। तो यहाँ पे इस प्लेन को लिखो, नहीं ये फोर्थ नंबर है, हमें स्टार्ट करना है यस यहाँ से। ये जो तीसरा प्लेन है जिसमें बराबर लगभग मोड़ आए हैं, लिम्ब आए हैं, इसका नाम लिखिए वन, एंटीक्लाइन, अवनति, एंटीक्लाइन, इसका नाम रहेगा एंटीक्लाइन, अवनति। अवनति के बाद में एंटीक्लाइन का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, तो एंटीक्लाइन के बाद क्या आएगा, सिंक्लाइन, अभिनति, सेकंड सिंक्लाइन, एस वाई एन सी एल आई एन ई, सिंक्लाइन अभिनति। सिंक्लाइन के बाद में ये भुजा जा रही है, जब भी फोल्ड होगा तो एक भुजा बनेगी या दो भुजा बनेगी,
या तो कभी कभी सिर्फ एक बन सकती है, और हम नॉर्मली दो तो बनेंगी ही बनेंगी। तो ये जो भुजा जा रही है इसको कहेंगे लिम्ब। थर्ड पॉइंट, लिम्ब भुजा। फिर आएंगे चौथे पर, इसमें कितनी भुजा है, एक, बस वो नीचे की तरफ गई, बाकी तो जमीन सीधी ही थी, तो इसको बोल देंगे मोनोक्लाइन। फोर्थ, मोनोक्लाइन हिंदी में एक नत बलन, मोनोक्लाइन एक नत बलन। हिंदी वाले कैसे पढ़ोगे यार तुम लोग, दया आ रही मेरे को, एक नत बलन। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है जबरदस्ती, मोनोक्लाइन भी लिख सकते हो, बट हिंदी लिखोगे तो अच्छा भी है। फोर्थ के बाद फिफ्थ पोजीशन पे है सिमेट्रिकल फोल्ड। आपको ये फोल्ड ऐसा दिख रहा है कि आधा इधर भी बराबर है और आधा यहां भी बराबर है, तो ऐसे फोल्ड को हम कहेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड। हिंदी में बोलेंगे उसको सममति बलन। सिमेट्रिकल फोल्ड, सममति बलन, मतलब ये प्लेन है, बीच में कागज, इस तरफ भी बराबर है फोल्ड यानी उसका लिंब, और इस तरफ भी उसकी लिंब बराबर है, सिमेट्रिकल। तो छठी क्या हो जाएगी, एसिमेट्रिकल। ये लिंब छोटा है और ये लिंब बड़ा है, एसिमेट्रिकल फोल्ड। हिंदी में लिखिए असम्मति बलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड, असम्मति बलन। फिर सेवेंथ पे आ जाइए, ओवरटर्न फोल्ड। सेवेंथ, ओवरटर्न, ये तो बहुत लंबा लिंब हो गया, ये तो बहुत छोटा हो गया, और छोटा होने के बाद अंदर की तरफ टर्न भी हो गया, तो ओवरटर्न्ड फोल्ड। हिंदी में पलट बलन, ओवरटर्न फोल्ड, पलट बलन। और उसके बाद में ये बहुत ही ज्यादा फोल्ड हो जाए तो वो होगा एट, रिकम्बेंट फोल्ड, परिबलन, रिकम्बेंट, आर ई सी यू एम बी ई एन टी, रिकम्बेंट फोल्ड, परिबलन। तो ओवरटर्न फोल्ड में, ये तो ओवर का ओवरटर्न हो गया, ये ओवरटर्न फोल्ड में इस लिम्ब को बोला जाएगा नॉर्मल लिम्ब, सामान्य भुजा, और दूसरे वाली लिंब को जो छोटी है और अंदर की तरफ जा रही है उसको बोलेंगे ओवरटर्न लिंब। यानी कि पलट भुजा, बस यही था काम। अब बचेगा लास्ट नाइन्थ। नाइन्थ में जब दोनों लिंब बहुत ही ज्यादा पास पास आ जाएं, यहां दोनों लिंब दोनों थोड़े थोड़े दूर दूर थे, सिमेट्री तो यहां भी है, सिमेट्री यहां भी मिलेगी, लेकिन लिंब क्या है, बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, ये भुजा और ये भुजा पास आ जाएगी, तो इसको कहेंगे आइसोक्लाइन फोल्ड, समनत बलन, आइसोक्लाइन फोल्ड, समनत बलन। आपको फोर्सेस वाला चार्ट याद आ रहा है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, बस उन्हीं फोर्सेस का ही तो ये नतीजा है। तो कौन सा फोर्स होगा, ये एक्सो या एंडो? एंडो, धरती के नीचे से, ऊपर तो बरसात और बारिश और हवा वो सब है, तो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस का नतीजा है। ठीक है, नाइन्थ में क्या हुआ, दोनों तरफ से प्रेशर लगा, क्या होना चाहिए था, टूटना चाहिए था, वन भी होना चाहिए था, वन भी नहीं हुआ, मुड़ गई चट्टाने, तो क्या बना दिया, आइसोक्लाइन बना दिया, वर्टिकल हो गई, बस ये इनकी लिम्ब्स, ये हुआ। तो धरती ऐसा भी करती है आपके साथ में। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा आपने, पॉइंट्स लिखो। 1, एंटीक्लाइन अवनति, एंटीक्लाइन अवनति। और आपने जो डायग्राम बनाया वो भी देखते जाइएगा, द अपफोल्डेड स्ट्रेटा इन आर्च लाइक फॉर्म, ऊपर मुड़े हुए मेहराब जैसे बलित चट्टान स्तर, द अपफोल्डेड स्ट्रेटा इन आर्च लाइक फॉर्म, ऊपर मुड़े हुए
मेहराब जैसे बलित चट्टान स्तर। तो एंटीक्लाइन का उल्टा क्या होगा? सिंक्लाइन। सेकंड में लिखिए सिंक्लाइन, अभिनति, अभिनति। द डाउन फोल्डेड रॉक स्ट्रेटा, नीचे मुड़े हुए द्रोणिका जैसे बलन। द डाउन फोल्डेड रॉक स्ट्रेटा, नीचे मुड़े हुए द्रोणिका जैसे बलन। फॉर्मिंग ट्रफ लाइक फीचर्स, इंग्लिश में ज्यादा लिखना पड़ेगा, फॉर्मिंग ट्रफ लाइक फीचर्स, हिंदी में नीचे मुड़े हुए द्रोणिका जैसे बलन। तो सारे माउंटेन्स किससे बनते हैं? ओरिजिनल माउंटेन्स एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन से बनते हैं, ठीक है, इसीलिए हल्के हैं, इसीलिए ऊपर चले गए, यही तो रीजन है। ओके, तो बड़ा एंटीक्लाइन उसके अंदर भी हो सकते हैं कि बहुत सारे सिंक्लाइन हो, बड़ा सिंक्लाइन उसके भी अंदर बहुत सारे एंटीक्लाइन हो सकते हो, देखेंगे अभी। थर्ड पॉइंट, लिंब, भुजा। लिंब किसको कहते हैं, भुजा किसको कहते हैं? लिखो, द टू साइड्स ऑफ द फोल्ड, बलन की दोनों ओर की भुजाएं। द टू साइड्स ऑफ द फोल्ड, बलन के दोनों ओर की भुजाएं, उनको क्या कहते हैं? भुजा। फोर्थ, अरे ये है ना, एक ये लिंब है, एक ये है, तो ये क्या हो गई? फोल्ड हो गए। तो एक लिंब दो लिंब, हो सकता है कि एक ही हो, दोनों हो, हो सकता है कि एक लिंब बहुत लंबी हो और दूसरी बहुत छोटी हो, ये भी होता है। चौथा, मोनोक्लाइन फोल्ड, एक नत बलन। मोनोक्लाइन फोल्ड, एक नत बलन। एक भुजा बड़ी सिंपल चल रही है इसमें और दूसरी भुजा अचानक क्या होती है? गिर जाती है। ये भुजा सिंपल चली और दूसरी क्या हो गई? नीचे गिर गई, मोनोक्लाइन। वन लिंब इज जेंटली डिपिंग, एक भुजा सामान्य रूप से झुकी है। वन लिंब इज जेंटली डिपिंग, एक भुजा सामान्य रूप से झुकी है। बट द अदर इज स्टीप अराउंड 90 डिग्री, बल्कि दूसरी अचानक गिरती है। बट द अदर इज स्टीप एट 90 डिग्री, बल्कि दूसरी अचानक गिरती है, ब्रैकेट 90 डिग्री। फिफ्थ पॉइंट, सिमेट्रिकल फोल्ड, सममित बलन। सिमेट्रिकल फोल्ड, सममित बलन, दोनों तरफ क्या रहेगी? सिमेट्री रहेगी। जैसा इस तरफ पोर्शन दिख रहा है वैसा का वैसा दूसरी तरफ दिखेगा और दोनों लिम्स क्या होंगी? बराबर होंगी। बोथ लिम्स इंक्लाइन यूनिफॉर्मली, दोनों भुजाएं समान झुकाव की होती हैं। बोथ लिम्स इंक्लाइन यूनिफॉर्मली, दोनों भुजाएं समान झुकाव की होती है। फॉर्म्ड बाय मॉडरेट कंप्रेसिव फोर्सेस, जो मध्य तीव्र संपीड़न बल से बनती हैं। फॉर्म्ड बाय मॉडरेट कंप्रेसिव फोर्सेस, जो मध्य तीव्र संपीड़न बल से बनती हैं। सारा खेल ही यहां पे किसका रहेगा? संपीड़न का रहेगा, कंप्रेशन का। सिक्स्थ, एसिमेट्रिकल फोल्ड, असममित बल। एसिमेट्रिकल फोल्ड, असममित बल, इसमें क्या होगा? लिम रेगुलर रहेंगी क्या? नहीं, इररेगुलर हो जाएंगी। इररेगुलर लिम्स, गैर बराबर भुजाएं। इररेगुलर लिम्स, गैर बराबर भुजाएं, कॉमा। डिफरेंट इंक्लिनेशन, अनियमितता के साथ। डिफरेंट इंक्लिनेशन, अनियमितता के साथ, मतलब दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, सिंपल सी बात। सेवेंथ, ओवरटर्न फोल्ड, पलट बलन। ओवरटर्न्ड फोल्ड, पलट बलन, इसमें लिखिए, वन और बोथ द लिम्स आर इंक्लाइंड मोर देन 90 डिग्री, अपने मूल अभिविन्यास से 90 डिग्री से भी ज्यादा। वन और बोथ द लिम्स अपने मूल अभिविन्यास से 90 डिग्री से भी ज्यादा आर इंक्लाइंड मोर देन 90 डिग्री, से भी ज्यादा भुजाएं झुक जाती हों। फ्रॉम देयर ओरिजिनल इंक्लिनेशन, से भी ज्यादा भुजाएं झुक जाती हों। अरे ये भुजा कितने डिग्री पे झुकी हुई है नीचे? 90 डिग्री, ये थोड़ा कम, लेकिन यहां क्या हो गया? 90 डिग्री से भी वो आगे चली गई, अंदर की तरफ चली गई,
तो ऐसी सिचुएशन को हम ओवरटर्न फोल्ड कहेंगे, 90 डिग्री से भी ज्यादा एक या दूसरी भुजा मुड़ जाती हो, नॉर्मली एक ही मुड़ेगी इस तरीके से, इधर से भी वही प्रेशर आता तो इधर से भी ओवरटर्निंग हो सकती है, तो बीच में बल्ज ऊपर आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, कम होता होगा, रेयर होता होगा नेचर में। आ गया समझ में ये वाला? नेक्स्ट, रिकम्बेंट फोल्ड परिबलन, रिकम्बेंट फोल्ड परिबलन, इसमें लिखिए, इसमें तो कंप्रेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, 90 डिग्री का खेल तो यही खत्म हो गया था, इसको क्या बोलूं मैं अब। लिखिए, वेरी स्ट्रांग कंप्रेसिव फोर्स, अत्यंत मजबूत संपीड़न बल, वेरी स्ट्रांग कंप्रेसिव फोर्स, अत्यंत मजबूत संपीड़न बल ने मेक लिम्स पैरेलल बट नॉट वर्टिकल, दोनों भुजाओं को समानांतर तो किया किंतु क्षैतिज नहीं, मेक लिम्स पैरेलल बट नॉट वर्टिकल, ने दोनों भुजाओं को समानांतर तो किया किंतु क्षैतिज नहीं, किंतु क्षैतिज किया। समझो, कंप्रेशन फोर्स इतना तेजी से आया कि ये जो हिस्सा था ये पूरा ही मुड़ गया, एक तरफ से बहुत बल आया, इसलिए ये सीधा था, ये इस तरफ से बेंड हो गया, तो ये वर्टिकल था तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, ये इसका रीजन था, कंप्रेसिव फोर्स। दैट मींस दोनों लिम्ब क्या है? पैरेलल है, समानांतर चल रही है, बट वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। ओके, क्षैतिज रूप से। नाइन्थ, आइसोक्लाइन फोल्ड, आइसोक्लाइन बलन, जिसको आपने लिखा था समनत बलन, आइसोक्लाइन फोल्ड समनत बलन, इसमें लिखिए, जो ऊपर आपने एट में लिखा है वही का वही लिखो, वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स, अत्यंत मजबूत संपीड़न बलन, मेक्स लिम पैरेलल एंड वर्टिकल, भुजाओं को समानांतर और सीधा किया, मेक्स लिम पैरेलल एंड वर्टिकल, भुजाओं को समानांतर और सीधा किया, यहां सीधा किया था क्या, वर्टिकल किया था क्या? नहीं, यहां किया, वर्टिकल हो गया, वर्टिकल यानी खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ। तीन पॉइंट्स और बचे हुए हैं, लिखिए। टेंथ, एंटीक्लिनोरियम अवनति स्थल, एंटीक्लिनोरियम, ANTICLINORIUM, एंटीक्लिनोरियम, एंटीक्लिनोरियम में लिखिए, इन फोल्डेड माउंटेन रेंजेस, वलित पर्वत श्रृंखलाओं में, इन फोल्डेड माउंटेन रेंजेस, वलित पर्वत श्रृंखलाओं में, अ रीजन विच सीरीज ऑफ माइनर एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस, ऐसा क्षेत्र जहां अनेक छोटे अवनति और अपनति हैं, अ रीजन वेयर सीरीज ऑफ माइनर एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अनेक छोटे अवनति व अपनति हैं, विथ वन मेजर एंटीक्लाइन, और एक बड़ी अवनति मौजूद है, विथ वन मेजर एंटीक्लाइन और एक बड़ी अवनति मौजूद है, ऑल्सो कॉल्ड फैन फोल्ड, जिसे पंखा बलन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फैन फोल्ड, जिसे पंखा बलन भी कहते हैं। देख लेते हैं ये क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, सबसे पहले क्या है, एक माउंटेन रेंज है, पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन है, और एक बहुत बड़ा एंटीक्लाइन है, और उसके बाद वो पहाड़ नीचे आ गया,
इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? एंटीक्लिनोरियम। एंटीक्लिनोरियम का मतलब ये कि एक माउंटेन रेंज में, यानी पहाड़ी श्रृंखला में, क्या सब पहाड़ी रहेंगे? पहाड़ खत्म होते तो नीचे क्या आता है? घाटी। तो पहाड़ों को क्या बोल दिया? एंटीक्लाइन। घाटियों को क्या बोल दिया? सिंक्लाइन। उसके बाद फिर से क्या आएगा? पहाड़ आएगा, एंटीक्लाइन, फिर गड्ढा आएगा, सिंक्लाइन, और ऐसा करते करते एक बहुत बड़ा क्या आएगा? एंटीक्लाइन आएगा, पहाड़। और ये सब क्यों बन रहे हैं? फोल्ड होने की वजह से। तो इस पूरे इलाके को बोल दिया जाएगा एंटीक्लिनोरियम। मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे? एक बहुत बड़ी घाटी का क्षेत्र है और उस घाटी के अंदर पहाड़ है, घाटी है, पहाड़ है, घाटी है, पहाड़ है, घाटी है, और एक बहुत गहरी घाटी है और फिर पहाड़ है और फिर वो घाटी है, खत्म। इसको सिंक्लिनोरियम बोल देंगे। यानी एंटीक्लिनोरियम जो आपने अभी समझा उसका ठीक उल्टा। 11 सिंक्लिनोरियम, जो भी ऊपर लिखा वो सब सेम टू सेम लिखना है आपको, बस एक लाइन लिख देना, डॉट डॉट लगा देना, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखा है, और एक लाइन जोड़ देना, वन मेजर सिंक्लाइन, एक बड़ी अवनति के साथ, वन मेजर सिंक्लाइन, एक बड़ी अवनति के साथ, सिंक्लिनोरियम यानी अवनति स्थल, वन मेजर सिंक्लाइन, एक बड़ी अवनति के साथ, यानी ये एंटीक्लाइन का ठीक उल्टा इमेज बना दो। वो माउंटेन रेंजेस में हो रहा था, ये वैली रेंजेस में हो रहा है। 5-6 किलोमीटर की चीज नहीं है ये, ओके, 5-5, 6-6 हजार किलोमीटर तक चलता है ये, 100-200-300-500 हजार किलोमीटर तक चलता है ये। दिखने में ये लगता रहे तो पहाड़ी है, लेकिन बहुत दूर से देखो कैसा दिखेगा वो। और इतनी ज़्यादा गहराई भी नहीं है, हो सकता है छोटी छोटी गहराइयाँ और ऊंचाइयाँ और फिर एक थोड़ी बड़ी गहराई हो, तो इसको सिंक्लिनोरियम कह देंगे। 12th पॉइंट, नेपीज, ग्रीवा खंड, NAPPES, नेपीज, ग्रीवा खंड, ये क्या होती है? लिखिए, अ लार्ज शीट लाइक बॉडी ऑफ रॉक, एक बड़ा चट्टान का तलीय टुकड़ा, अ लार्ज शीट लाइक बॉडी ऑफ रॉक, एक बड़े चट्टान का तलीय टुकड़ा, दैट हैज बीन मूव्ड मोर देन 2 किलोमीटर्स, जो अपने मूल स्थान से 2 किलोमीटर से ज्यादा खिसका दिया गया है, दैट हैज बीन मूव्ड मोर देन 2 किलोमीटर्स, जो अपने मूल स्थान से 2 किलोमीटर से ज्यादा खिसका दिया गया है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन बाय फॉल्टिंग और फोल्डिंग, भ्रंशन या बलन के द्वारा, बाय फॉल्टिंग और फोल्डिंग, भ्रंशन या बलन के द्वारा। तो चट्टान का वो हिस्सा जो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर चला गया, किसकी वजह से? फोल्डिंग या फॉल्टिंग की वजह से। एक हिस्सा खिसक रहा है ना, खिसकते खिसकते यही हिस्सा 2 किलोमीटर दूर से ज्यादा हो गया, तो इस हिस्से को नेपीस कहेंगे, NAPPES। ओके, तो हमने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक्स, फिर हम इनकी बारीकियों पे चले गए, ये काम हो गया, खत्म, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अब पहाड़ बनेंगे, वो कल बनेंगे, अभी तक जितना पढ़ा उसको याद रखिए, ठीक है? हिस्ट्री ऑप्शनल, क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स कल, ठीक? कुछ प्रॉब्लम आ गया सब समझ में? मुंह पे तो झूठ मत बोला करो, पक्का आ गया? ठीक, जा सकते हैं।